हेलो 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 बच्चों, गुड इवनिंग। अगर आप सब लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, देन क्लबिंग पे जाएंगे। टाइम बचेगा तो रेसिडेंशियल स्टेटस पे जाएंगे, वरना शेड्यूल की हुई है रेसिडेंशियल स्टेटस की क्लास। अगर समय नहीं बचेगा प्रॉपर तो फिर कल देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस को। आ जाइए जी, हमारा आज का टॉपिक है सेट ऑफ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाँ जी। टॉपिक का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। बेटा, जो बच्चे बाद में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा वो क्लास को लाइक करते हुए चले, और हम पूरा कोर्स रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, रिवाइज ही कर रहे हैं, और जहाँ होता है वहाँ रुककर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ कोर्स में जो सेट ऑफ है और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। सेट ऑफ का मतलब होता है करंट ईयर में होने वाले लॉसेस को करंट ईयर की इनकम से एडजस्ट करना, बट जो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ होता है उसका मतलब होता है कि अगर इस बार, इस वर्ष में, इस ईयर में आपको लॉस हुआ है और वो लॉस इतना ज्यादा है कि इनकम से पूरी तरीके से वो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो आप बचे हुए लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दें, जिसमें कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो फुलफिल करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड के साथ साथ नेक्स्ट ईयर उस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट भी आप ले लेंगे। देखिए, बेसिकली इसमें जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 70 और 71 है। सेक्शन 70 कहता है कि अगर आपको एक हेड के एक सोर्स में लॉस हुआ है और दूसरे हेड, उसी हेड में दूसरी सोर्स से इनकम है, तो आप उनको आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 70 करंट ईयर के लॉसेस के लिए लगता है। ये इंट्रा हेड सेट ऑफ है, याद रहे, ये करंट ईयर के लॉसेस के लिए लगता है। मतलब अगर इस ईयर का लॉस है और वो इस ईयर की इनकम से एडजस्ट हो रहा है, तो उसे कहते हैं सेक्शन 70 या 71, उसे बोलते हैं सेट ऑफ। तो इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब है एक हेड में लॉस है और उसी हेड में इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, दो हाउस प्रॉपर्टी है। अब एक हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हुआ और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में आपको इनकम हुआ है, तो उनको आपस में एडजस्ट करना हमारा कहलाता है सेट ऑफ। थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव इसलिए भी अब बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी जो डिफॉल्ट स्कीम है वो सेक्शन नंबर 115 BAC है, और सेट ऑफ को लेकर उसमें बहुत सारी बातें हैं, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। जैसा मैंने बताया कि एक हेड में अगर एक सोर्स से लॉस है और दूसरे सोर्स से इनकम है, तो उनको आपस में एडजस्ट करेंगे, उसे हम सेट ऑफ कहते हैं। मैं एग्जाम्पल वन से इसको समझा रहा हूं, लॉ आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है। फर्नीचर का बिजनेस है बेटा, उसमें आपको लॉस हुआ है 3 लाख का, और रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में आपको इनकम हुई है 5 लाख की। तो लॉ कहता है 3 लाख का लॉस 5 लाख की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, बचेंगे 2 लाख, वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। सबसे ज्यादा मुश्किल मैंने देखा है बच्चों को लॉ पता होता है बट उसकी एप्लीकेशन में दिक्कत आती है, जिसको हम क्वेश्चन आंसर कहते हैं। वो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करा दूंगा, और मैं अभी एक क्लास में आपको YouTube का चैनल दिखाऊंगा अपना, और वहां पर डिटेल में आपको सेट ऑफ के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे PY। उनकी मैं आपको जो PDF है वो अवेलेबल मैं आप लोगों को सबको करा दूंगा। ओके, तो मैं जितना हो सकता है आज वो मैं कराऊंगा। सेटअप को ऑलरेडी मैं आज से कम 2.5-3 महीने पहले मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, वो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। मैं आज उसका लिंक अपनी इस वीडियो में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, और अलग से मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे जाके आपको देखना है, ठीक है ना। फिलहाल इस सेक्शन की कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एक ऐसा लॉस है जो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है।
स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। स्पेकुलेटिव बिजनेस जो नॉर्मली हम इंट्राडे ट्रेडिंग को कहते हैं, और स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है वो कहते हैं जो सेक्शन 35AD में बिजनेसेस आते हैं उनको बोलते हैं। और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस होर्स, ये है बेटा हमारे चार एक्सेप्शन इस सेक्शन की, जहां पर सेक्शन 70 एप्लीकेबल नहीं होगा। सामने लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लॉस है ऑन सेल ऑफ गोल्ड 10 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ लैंड 8 लाख का। ये 8 और 1 लाख एडजस्ट हो जाएंगे 10 लाख के लॉस से, फिर भी आपका 2 लाख रुपए का लॉस बचेगा, वो 1 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो जो एडजस्ट नहीं हो पाएगा उसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर कोई भी लॉस जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो एक बात तो डिसाइडेड है कि वो सिर्फ अपने ही हेड के इनकम से सेटअप होगा, दूसरे हेड की इनकम से सेटअप नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड होने के बाद। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो अपने ही हेड में करंट ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप नहीं हो रहा, तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद तो दूसरे हेड से सेटअप होगा ही नहीं, ठीक है ना। यहां पे हमने ऐसे ही किया है, जो 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। एज पर सेक्शन 70 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेटअप अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो 2 लाख का लॉस हमारे एग्जाम्पल में रिमाइंडर है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो दोनों से सेटअप हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी, ऐसा हमने एग्जाम्पल 3 में बताया। फिर आप JFK देखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से सेटअप हो सकता है। अपने ही हेड में सेटअप होगा तो हमेशा सेक्शन 70 लगेगा कोई भी लॉस, दूसरे हेड में सेटअप होगा तो 71 लगेगा, बट एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ना 70 लगेगा ना 71। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेटअप होगा, बाकी किसी से सेटअप नहीं होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेटअप होगा। स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड बिजनेस को छोड़कर किसी और थर्ड तरह के बिजनेस का लॉस है वो स्पेसिफाइड की बिजनेस की इनकम से भी, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से भी और अदर बिजनेस इनकम से भी सेटअप हो जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 71, जिसमें इंटर हेड सेटअप के बारे में कहा गया है। इंटर हेड सेटअप का मतलब होता है एक हेड में लॉस है तो क्या वो दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकता है, दूसरे हेड से सेटअप हो सकता है? हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे फर्नीचर बिजनेस का लॉस 5 लाख, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रहे, रिस्ट्रिक्शंस जो होती है वो लॉस पर होती है, इनकम पर नहीं होती। जैसे यहां कुछ एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 71 की, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, जैसे अभी आप सेक्शन 70 में पढ़कर आए, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होता है, इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेटअप नहीं होता। याद रखिएगा, वो अदर हेड की इनकम से भी सेटअप नहीं होता। बट अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बिजनेस लॉस माइनस करना चाहते हैं तो वो अलाउड है। रिस्ट्रिक्शन जो है, पाबंदी जो है, बाउंडेशन जो है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पर है, गेन पर नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट हो सकता है, बट दूसरे हेड की इनकम से ये भी सेटअप नहीं होगा। लॉस सैलरी लॉस, PGBP हेड का लॉस कभी भी सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं होता, ये लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है ना। PGBP हेड का लॉस कभी भी सैलरी इनकम, इनकम अंडर द हेड सैलरी जो होती है उससे एडजस्ट नहीं होता। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेटअप होगा, दूसरे हेड की भी इनकम से सेटअप नहीं होगा, ये अपने ही हेड में भी सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेटअप होता है। सिमिलरली स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस के लिए भी लॉ है। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स से होने वाला लॉस, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स अलग है, लॉटरी अलग है। मैं बात कर रहा हूं एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स का लॉस, ये लॉस सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेसोर्स की इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है और किसी से एडजस्ट नहीं होगा। उसके बाद आता है जी नेट लॉस, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस है तो वो दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकता है, बट मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। यहां पर सेक्शन नंबर 115BAC कहता है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसके लिए जो सेक्शन 24 क्लॉज बी की डिडक्शन मिलती है वो तो मिलेगी नहीं, साथ में
अगर किसी लेट आउट प्रॉपर्टी से कोई लॉस हुआ है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो वो भी आप दूसरे हेड से माइनस नहीं कर सकते, ऐसा सेक्शन 115 BAC कहता है। मतलब ये है कि अगर डिफॉल्ट स्कीम में आप टैक्स पे कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड के लॉस को आप किसी से एडजस्ट नहीं कर सकते, बट अगर ऑप्शनल स्कीम में टैक्स पे कर रहे हैं तो दूसरे हेड से आप 2 लाख रुपए तक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 72 जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर एक बार कोई बिजनेस लॉस हो उसे करंट ईयर में सेक्शन 70 और 71 में आप एडजस्ट नहीं कर पाए तो उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए और कैरी फॉरवर्ड करके बिजनेस के लॉस को नेक्स्ट ईयर से बिजनेस की इनकम से एडजस्ट करेंगे। तो कभी भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दूसरे हेड की इनकम से माइनस नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड की इनकम से एडजस्ट होगा और इस लॉस को आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे आपका असेसमेंट ईयर 24-25 है तो उसके बाद 8 साल तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस के लॉस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके उसको एडजस्ट करने के आपको अलाउ किया जाए तो उसके लिए जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल करें। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल नहीं करेंगे तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस में लॉस हुआ 10 लाख रुपए का, ओके, और आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 8 लाख रुपए का। पहला क्वेश्चन यह है कि आप बिजनेस का लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता तो नहीं कर सकते थे। तो बिजनेस का लॉस आपने एडजस्ट कर लिया, 10 लाख का लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लिया, अभी भी 2 लाख का लॉस बचा। आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मिल जाए तो आपको इसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख का ये आपको अलाउ कर दिया जाएगा लॉस, और ऐसा मैक्सिमम आपको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन है। मगर उसके लिए जरूरी है कि जिस वर्ष का ये लॉस है उस वर्ष आपकी ITR समय से फाइल हुई हो, जो भी आपकी ITR की ड्यू डेट है वहां पर ITR फाइल हो जानी चाहिए। अगर आपकी ITR फाइल हो गई है तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मेरे इस एग्जांपल में सुनिएगा, 31 जुलाई 2024 आपकी ITR की ड्यू डेट है, 10 लाख का बिजनेस का लॉस हुआ है, 8 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और आप 31 जुलाई निकल जाने के बाद एक्सपायर होने के बाद 5 अगस्त 2024 को ITR फाइल करते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या 10 लाख के लॉस को 8 लाख की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? तो जवाब है हाँ कर सकते हैं, और जो 2 लाख का लॉस बचा उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ITR को समय से फाइल करना जरूरी है। ये बात जो मैंने अभी बताई ये मैंने एग्जाम्पल 6 में बच्चों को समझाई है। अब आते हैं प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ। प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ का मतलब है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बिजनेस इनकम से खास तौर पर एडजस्ट करते हैं। वो टोटल चीजें हैं 4, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जिस ऑर्डर में बताया है इसी ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। मतलब अगर आपकी PGBP की इनकम है तो सबसे पहले आप करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करिए। जब मैं ये बोलता हूं ना सबसे पहले, तो इसका मतलब सबसे पहले का लिटरल मीनिंग सबसे पहले नहीं निकालना है। पीजीबीपी में जो आप इनकम कैलकुलेट करेंगे, आप यकीन मानिए, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं पढ़े वो जान ले बेटा, पीजीबीपी में सेक्शन 30 से लेकर 37 तक बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं। याद रखिएगा, पीजीबीपी में जितनी भी डिडक्शंस मिलती हैं उनमें सबसे आखिर में मिलती है डिडक्शन डेप्रिसिएशन की। किसकी डिडक्शन मिलती है? डेप्रिसिएशन की डिडक्शन सबसे लास्ट में मिलती है, यानी कि आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट सबसे आखिर में माइनस करेंगे। तो जब डेप्रिसिएशन माइनस कर दें आप करंट ईयर की, उसके बाद करंट ईयर का लॉस, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, उसके बाद अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मैं इन चारों में बोल रहा हूं सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन। और करंट ईयर डेप्रिसिएशन में करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो साइंटिफिक रिसर्च वाले हैं सेक्शन 35 वाले वो भी आते हैं, और अगर ये कोई कंपनी एडजस्ट करना चाहती है तो कंपनी को आप जानते हैं फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन भी मिलती है। तो वो तो नंबर वन ये है करंट ईयर का लॉस है, फिर ब्रॉड फॉर, ये मैंने जो प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ बता रहा हूँ बिजनेस इनकम में से बता रहा हूँ, यानी कि पीजीबीपी की इनकम निकालते समय सारे खर्चे माइनस कर दो जो एज पर द लॉ है, यानी कि आप निकाल दीजिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। जब आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आ जाए तो उसमें फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करिए, जो प्रॉफिट बचे उसमें से करंट ईयर का लॉस पीजीबीपी का, फिर करंट, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिजनेस का, जो बच जाए
फिर उसमें से अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर और अनअब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल्दो फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन सिर्फ कंपनी को मिलती है। ये था प्रायोरिटी और सेट ऑफ। इसके बाद आती है बात हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर आपको लॉस हाउस प्रॉपर्टी का आप सेट ऑफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट करिए सेक्शन 70 में। फिर अगर लॉस बच जाए तो दूसरे हेड से सेट ऑफ करिए। याद रखिएगा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कभी भी आपको कभी भी हो तो सबसे पहले आप कोशिश करिए उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी से एडजस्ट करिए, क्योंकि सैलरी से कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो पाता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट होगा और वो भी मैक्सिमम 2 लाख, वो भी तब जब आप ऑप्शनल स्कीम में टैक्स पे कर रहे हो। डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स पे करेंगे तो कुछ भी माइनस नहीं कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपने माइनस कर दिया, फिर भी 2 लाख रुपए का लॉस और बचा आपका, क्या नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाँ। इसके लिए आईटीआर आप चाहे समय से फाइल ना भी करें तब भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ऐसा है कि जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है और सेट ऑफ भी। ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और याद रहे कैरी फॉरवर्ड एक बार कोई लॉस हो जाएगा तो वो सिर्फ अपनी ही हेड की इनकम से एडजस्ट होगा। उसके बाद आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस करंट ईयर में स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेटअप होता है। अगर वो सेटअप पूरी तरीके से ना हो पाए आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए और नेक्स्ट ईयर भी वो सिर्फ अपने हेड में भी स्पेसिफिकली स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होगा और इसे 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। स्पेसिफाइड बिजनेस वो होते हैं जो सेक्शन नंबर 35AD में आते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस करंट ईयर में स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होगा। ये एक लॉस कभी भी दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं होता, ना करंट ईयर में ना ब्रॉड फॉरवर्ड होने के बाद। ब्रॉड फॉरवर्ड होने के बाद भी ये स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होगा, ऐसा सेक्शन 73A में लिखा है। इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल गेन के हेड का लॉस। कैपिटल गेन का लॉस चाहे लॉन्ग टर्म लॉस हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, इसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट हो सकता है। इसको मैक्सिमम नंबर 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद आता है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का जो लॉस है वो मैक्सिमम आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये लॉस करंट ईयर में भी इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से एडजस्ट होगा और नेक्स्ट ईयर भी, ये मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड होने के बाद भी, ये सिर्फ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स से ही एडजस्ट होगा। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड रिसोर्स अलग है और रिसोर्स पर लॉटरी खेलना वो अलग है, ये बात मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बताऊंगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दिखाता हूं जो मैंने कराए थे और मैं आपको ये भी बताता हूं कि मैंने इन क्वेश्चंस को डिटेल में, देखिए नवंबर 18 का क्वेश्चन है, इसके बाद आप देखिएगा मैंने नवंबर 19 का क्वेश्चन है, ये मई नवंबर 20 का क्वेश्चन है, जुलाई 21, मई 22, नवंबर 22, नवंबर 23, यहां तक के क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों को करा दिए। इवन जो MTP 1 नवंबर 23 में या कहीं पे क्वेश्चन आया वो भी करा दिया। आप चेक करके बताइए क्या मॉक टेस्ट पेपर 24 में कोई क्वेश्चन है, अगर है तो वो आपको करना है। मैं आपको एक अपना YouTube का लिंक दिखा रहा हूं आप सब लोगों को और इसका मैं आपको इसमें भी डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। यहां हम टाइप कर रहे हैं इसमें CA पाठशाला क्लासेस, जिसको भी आप हमारी क्लास का रेफरेंस देते हैं CA पाठशाला क्लासेस, याद रखना, ठीक है ना। तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पे भी कुछ ज्यादा हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिन से बनी हुई है, कई बार बनवा चुका हूं पर ध्यान नहीं दे पाता हूं कभी भी। ये होम पेज है, इस पे ना जाएं, वीडियो में जाएं बेटा। वीडियो में जब जाएंगे आप तो वीडियो के अंदर इस जगह पर ये 3 महीने पहले पड़ी हुई है, व्यूज भी काफी कम है इस पर। ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ा है, इसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है, बस ये बाई चांस होता है कि कोई चीज सर्कुलेशन में नहीं आ पाती इसलिए पता नहीं चल पाता, ठीक है। ये क्लास के अंदर आपको सब लोगों को ये क्लास दिखाई दे रही होगी, इस क्लास के अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। तकरीबन मैंने ये बच्चों को 2 घंटे 18 मिनट तक क्वेश्चन कराए,
ये चीज मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत सब बहुत कुछ करना है। तो आप अब जाकर सेट ऑफ के ये क्वेश्चंस करिएगा, सारे क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें आप इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ये जो क्लास में चैनल की दिखा रहा हूं इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसका लिंक भी आप कहेंगे जो जो मांगेंगे मैं दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा इसका लिंक, कितने का लॉस, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूं, अभी मैं वापस आता हूं अपने मुद्दे पर। ये जो मैंने बताया इसका लिंक मिल जाएगा। ये था हमारी तरफ से सेट ऑफ का एक छोटा सा ओवरव्यू रिकैप। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करिएगा। क्वेश्चन आंसर में किसी भी तरीके की आपको मैं यकीन दिला रहा हूं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इसमें सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल रखे हैं बेटा, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, बहुत कुछ कराना है। प्रैक्टिस के नाम पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एमसीक्यू को पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे हम जा सकते हैं बेटा। अब आपके पास कल का दिन है, ठीक है ना, आप अच्छे से सेट ऑफ के क्वेश्चन साझी कर लें। अब हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन, सैलरी विद अमेंडमेंट और सेट ऑफ। अभी हम जा रहे हैं क्लबिंग के ऊपर। क्लबिंग पे थोड़ा हमारा टाइम लगेगा, जो टाइमलाइन वाले भैया हैं वो टाइमलाइन देख लें। इस समय क्या टाइम हो रहा है, इस समय हमारी 20-21 मिनट की क्लास हो चुकी है और हमारा सेटअप पूरा हो चुका। अब हम चल रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम पर। क्लबिंग ऑफ इनकम में सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम में अगर सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ ना कर दीजिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आज की क्लास के बाद फिर से 3-4 दिन के लिए क्लास रोकनी पड़ेगी। जैसे ही मैं 3-4 दिन क्लास रोकता हूँ आप में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, टेंशन होती है ना, आप तब पढ़ते हैं बेटा, उससे पहले आप पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। तो मैं भी फिर बेटा थोड़ा आराम करूंगा घर पे, मैं भी थका हुआ हूँ, ठीक है, और चीजों पे ध्यान दे सकता हूँ मैं। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है दूसरे की इनकम हमारी इनकम में ऐड होना, उसे बच्चों हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं, जब किसी दूसरे की इनकम हमारी इनकम में ऐड हो जाए। इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना क्लबिंग के, वो मैं अभी कराऊंगा क्योंकि इसके यूट्यूब पे नहीं है। और वो जो मैंने अभी दिखाया लिंक बेटा, वो पुराना नहीं है, वो मई 24 में 2024 तक जितने भी 2024 के रेफरेंस में जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए वो रेलिवेंट है, आप यकीन करिए, ठीक है। तो सब लोगों को वो देखनी है क्लास, ठीक है। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर वन, सेक्शन नंबर 60 है। अगर कोई एसेट कोई इनकम आप ट्रांसफर कर दें विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट तो बेटा वो इनकम आपकी मानी जाएगी। मैं आप मेरे दोस्त हैं मेरे, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे नाम पर 10 लाख रुपए के मैंने डिबेंचर खरीद रखे हैं, 12% उस पर इंटरेस्ट आता है, 1,20,000 का एवरी ईयर। मैंने क्या किया, इस बार आपका अकाउंट नंबर कंपनी को दे दिया कि इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिएगा। बेटा ये ऐसा इसलिए किया ताकि ये इनकम आपकी इनकम मानी जाए। आपके पास अभी मतलब इतनी बेसिक एग्जिम्पशन है 3 लाख रुपए की, अगर डिफॉल्ट स्कीम की भी बात करें कि 3 लाख तक टैक्स नहीं देना, और अगर रिबेट की बात मान लें तो 7 लाख तक टैक्स नहीं देना। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यार तुम मेरे दोस्त हो कि यार ये डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ये तुम अपने अकाउंट में ले लो। तुमने मुझसे पूछा कि क्या होगा, मैंने कहा यार मुझ पर टैक्स नहीं लगेगा, चल तुझको पार्टी दे दूंगा। गवर्नमेंट कह रही है, लॉ कह रहा है सेक्शन नंबर 60 कि तुम्हें अपने दोस्त से इतनी दोस्ती ही निभानी है तो एक काम करो इसके नाम पे डिबेंचर कर दो। अगर बिना ऐसे ट्रांसफर किए कोई इनकम आप डाइवर्ट करते हैं किसी दूसरे की तरफ तो वह इनकम ट्रांसफरर की ही मानी जाएगी। डाइवर्जन ऑफ इनकम विदाउट डाइवर्जन ऑफ एसेट इज कंसिडर्ड द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर, ये बात सेक्शन 60 में लिखी है। लोगों ने क्या किया इससे बचने के लिए, एक एग्रीमेंट बनाना शुरू कर दिया और उसमें ये लिख दिया कि ये एसेट मैं अपने दोस्त को दे रहा हूं मगर इससे होने वाला कोई भी बेनिफिट और ये एसेट मैं जब चाहे तब ले लूं। यानी कि मैंने एक ट्रांसफर तो किया, मैंने अपने दोस्त के नाम पर वो एसेट ट्रांसफर तो की सेक्शन 60 से बचने के लिए, बट वो मैंने एक रेवोकेबल डीड बनाई, मतलब जब चाहे वापिस ले सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप कोई ऐसा ट्रांसफर करते हैं जिसमें आप ट्रांसफर ही को ये कहते हैं कि ये एसेट और इससे होने वाली आमदनी इनकम मैं जब चाहे वापस ले लूं तो ये ट्रांसफर रेवोकेबल होगा, और रेवोकेबल ट्रांसफर के केस में भी जो भी इनकम होगी आपकी मतलब उस ट्रांसफरर की मानी जाएगी जिसकी वो एसेट है। अगर आपको करना ही है तो रेवोकेबल ट्रांसफर करिए। मैंने कहा वो क्या होता है, मैंने तो लॉ कहता है कि उसका मतलब ये है कि आप लिख के दे दीजिए कि एसेट हमेशा के लिए उसकी है जिसको आप एसेट देना चाहते हो, या कम से कम उसके लाइफ टाइम के लिए तो उसको एसेट दे रहे हो, तो फिर ये इरेवोकेबल ट्रांसफर है, फिर क्लबिंग नहीं होगी।
या फिर ट्रांसफर किया गया हो 1 अप्रैल 1961 से पहले, ठीक है, तो उस केस में जो रेवोकेबल ट्रांसफर है उसे भी ट्रांसफर मान लिया जाता था, ठीक है ना। यहां पे यही लिखा हुआ है बेटा, और ये जो मेरे सॉल्यूशन होंगे इसमें काफी आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। अभी हम पास एग्जाम के क्वेश्चन क्लबिंग के जरूर करेंगे। इफ एन एसेट इज ट्रांसफर्ड अंडर रेवोकेबल ट्रांसफर बाई ए पर्सन, अगर रेवोकेबल ट्रांसफर होगा तो बेटा उस ट्रांसफर को ट्रांसफर रद्द माना ही नहीं जाएगा और उस केस में जो भी इनकम होगी वो ट्रांसफरर की मानी जाएगी। 61 के अंदर ही जेएफके के अंदर हमने सेक्शन 63 लिखा है जिसमें हमने बताया ट्रांसफर रेवोकेबल कब होगा, इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर री ट्रांसफर होल और पार्ट ऑफ द इनकम और द एसेट, मतलब जिसमें हम ये प्रोविजन डाल दें कि इससे ये एसेट या इससे होने वाली इनकम हम जब चाहें अपने मतलब ट्रांसफरी से ले लें, यानी कि ये राइट टू रीअज्यूम है पावर, जिसमें हम एक ऐसा ट्रांसफर डीड बनाएं जिसमें हम कभी भी एसेट को टेकन बैक कर सकते हैं, वापिस ले सकते हैं, उसको हम रेवोकेबल ट्रांसफर कहते हैं। और रेवोकेबल ट्रांसफर होगा तो वो ट्रांसफर नहीं है, उस केस में भी एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफरर की मानी जाएगी। सेक्शन 62, इफ देयर इज ट्रांसफर विच इज नॉट रेवोकेबल, यानी कि इररेवोकेबल है अगर ट्रांसफर तो ट्रांसफरी, देन इनकम फ्रॉम सच एसेट इज नॉट टू बी क्लब्ड, यानी कि अगर ट्रांसफर इररेवोकेबल है तो इनकम ट्रांसफरी की है, फिर वो इनकम ट्रांसफरर की नहीं मानी जाएगी। या फिर ट्रांसफर किया गया हो 1 अप्रैल 1961 से पहले और तो उसको इररेवोकेबल माना जाएगा अगर वो ट्रांसफर 6 साल या उससे ज्यादा के लिए किया गया है। पहले ही ऐसा लॉ हुआ करता था कि 6 साल से ज्यादा के लिए अगर आप ऐसे ट्रांसफर कर दो तो वो इररेवोकेबल मानी जाती थी, मगर ये लॉ 1 अप्रैल 1961 से पहले वाले ट्रांसफर पे लागू होगा। ये बात अब 65 ईयर्स ओल्ड हो गई है, अब कहां कोई ऐसी बात रहेगी प्रैक्टिकली पॉसिबल, पर जितने भी ट्रांसफर 1 अप्रैल 1961 के बाद हुए हैं उनमें जरूरी है कि आप या तो एसेट हमेशा के लिए दें या फिर उसके कम से कम लाइफ टाइम के लिए दें। रेवोकेबल ट्रांसफर होगा तो क्लबिंग होगी, इरेवोकेबल ट्रांसफर होगा तो क्लबिंग नहीं होगी। तो सेक्शन 60, 61, 62, 63 नट शैल में अगर कहें तो हम ये कहता है कि एक ट्रांसफर किया जाए बिना कंसिडरेशन के तो उस एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफरर की मानी जाएगी, ट्रांसफरी की नहीं मानी जाएगी। अगर उसमें रेवोकेबल ट्रांसफर होगा तब भी इनकम ट्रांसफरर की होगी, इरेवोकेबल होगा तब इनकम ट्रांसफरी की होगी। यह है सेक्शन 60, 61, 62, 63। इसके बाद आता है जी सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1A, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। किसकी इनकम? माइनर चाइल्ड कहते हैं छोटा सा बच्चा, ठीक है ना, छोटा बच्चा, इसे समझना बेटा। इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड वो होगा जिसकी प्रीवियस ईयर में एज 18 ना हुई हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की एज इनकम टैक्स में 18 है, वोट नहीं डाल रहे हो आप, ठीक है, ये शादी ब्याह की एज नहीं है, ठीक है, ये बेटा एडल्ट होने की एज है 18 वर्ष। तो 64 सबसेक्शन 1A, इफ अ माइनर चाइल्ड जिसकी इनकम प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ हो तो वो इनकम उसके मम्मी या पापा की इनकम मानी जाएगी, यानी कि माइनर चाइल्ड की इनकम माइनर चाइल्ड की नहीं मानी जाएगी जब तक वो 18 का ना हो जाए, 18 से पहले पहले वो इनकम उस बच्चे की ही उसके मम्मी पापा की मानी जाएगी। सर मम्मी पापा में से किसकी मानी जाएगी? दोनों की? नहीं बेटा, एक की। सर वो किसकी? बेटा मम्मी या पापा में जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, बच्चे की इनकम उसकी इनकम में क्लब हो जाएगी। सर क्या कोई ऐसा चांस है जहां क्लबिंग ना हो? हाँ, अगर बच्चे ने ये पैसा अपने टैलेंट और स्किल से कमाया तो क्लबिंग नहीं होगी, या फिर वो माइनर चाइल्ड ATU का सर्टिफिकेट अपने पास रखता हो जिसको हम डिफरेंटली एबल या हैंडीकैप कहते हैं, इन दो केसेस में क्लबिंग नहीं होती। क्लबिंग अगर होगी तो बेटा उस माँ बाप की इनकम के साथ होगी जिसकी इनकम क्लबिंग से पहले ग्रेटर है। अगर एक बार बच्चे की इनकम मम्मी या पापा की इनकम में क्लब हो गई तो हमेशा उसी की इनकम में क्लब होती रहेगी। दो केसेस में क्लबिंग चेंज हो सकती है, या तो असेसिंग ऑफिसर कहे कि दोबारा से आप अपने ITR की कॉपी जमा कराइए जिससे पता चल सके कि 2-4 साल के बाद अब किसकी इनकम ग्रेटर है, मम्मी की या पापा की, या फिर माँ बाप में से ही कोई एप्लीकेशन दे कि मेरी नहीं अब इसके पापा की इनकम या पापा कहें इसकी मम्मी की इनकम अब ग्रेटर है तब, वरना एक बार क्लबिंग होने लगेगी तो जिसकी इनकम में क्लब हो रहा है उसकी इनकम में क्लब होता रहेगा। हाँ, AO चाहे तो वो अदर पेरेंट की इनकम में भी क्लबिंग कर सकता है अगर उसको सेटिस्फाइड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए जाएं, जैसे कि ITR की कॉपी कुछ समय के बाद। अगर माता पिता की जो शादी है
वो सब्सिस्ट नहीं रहती, सब्सिस्ट का मतलब है एग्जिस्ट नहीं करती, डिवोर्स हो जाता है उनके बीच में, या कोई लिव अपार्ट का एग्रीमेंट बन जाता है, तो इस केस में माइनर बच्चा जिसके साथ रहेगा, मम्मी या पापा जिसके साथ भी रहेगा, माइनर चाइल्ड की इनकम उसी पेरेंट की इनकम में ऐड की जाएगी, इधर पेरेंट की इनकम में, चाहे वो माँ हो या बाप हो उसकी इनकम में ऐड होगा। और ये सातवें पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अगर माइनर चाइल्ड सफर है फ्रॉम द डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड अंडर 80U तो कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। अगर मम्मी या पापा की इनकम में बच्चे की इनकम क्लब होती है तो 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32। ये एग्जेम्पशन तब नहीं मिलेगी जब आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स पे कर रहे हो। जितने चैप्टर में पढ़ाता जा रहा हूं डिफॉल्ट स्कीम में उससे रिलेटेड कोई भी बात आती है तो मैं बोलता हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेट ऑफ के बारे में बताया कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जो भी लॉस होगा वो लॉस अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स पे कर रहे हैं तो वो लॉस अब आप दूसरे हेड से सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। सिमिलरली मैं अब बता रहा हूं कि अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स पे करते हैं तो माइनर चाइल्ड की जो इनकम आप ऐड कर रहे हैं वो ऐड करिए, बट सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 32 की एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स पे कर रहे हैं। जबकि अभी मैंने डिफॉल्ट स्कीम पढ़ाई नहीं है, सिवाय इसके कि मैंने आपको डिफॉल्ट स्कीम के क्लास वन में, रिविजन क्लास वन में सिर्फ मैंने आपको बताया था क्या उसका रेट बताया था कि क्या क्या स्लैब रेट है बस, और वो अलग से पढ़ानी है। सारा टाइम मुझे उन्हीं पे लगाना है, जीटीआई के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मुझे खुद नए बना के आपके सामने रखने कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम चाहिए। हर थोड़े दिन के बाद मैं वो कराता रहूंगा, मगर वो तभी मैं अच्छे से करा पाऊंगा जब आपने भी अच्छे से तैयारी की हो। अभी हम इसको, मैंने कई बार बता चुका हूँ, कमिंग थर्सडे फ्राइडे में हमें कंप्लीट कर देना है, हर हाल में। मैक्सिमम हुआ तो सैटरडे चला जाएगा बस, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं क्लास दूंगा आपको, जीएसटी के नए क्वेश्चंस बना के कराऊंगा, वो डीटी के कराऊंगा। हर सप्ताह में एक क्लास में देता रहूंगा ताकि रिवाइज होता रहे, मगर आपको आपको भी पूरी मेहनत करनी है। तो अगर माइनर चाइल्ड की बच्चे की इनकम माँ बाप की इनकम में ऐड होगी तो उसमें 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी। और मैंने कल भी बताया था मेरी बुक का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, और कोई आईसीआई का क्वेश्चन आए तो उसको फौरन लपक लीजिएगा। अब आता है सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पॉस। अगर स्पॉस को इनकम होगी तो उसको लेकर दो तीन सेक्शन इसके अंदर है। पहला सेक्शन है 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज II। ये सेक्शन तब लगता है जब किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, जैसे किसी कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग 20% या उससे ज्यादा हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली का मतलब होता है फैमिली मेंबर की होल्डिंग मिलाकर आपकी होल्डिंग 20% या उससे ज्यादा बनती हो, तो ऐसे इंटरेस्ट को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहते हैं। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर है और वहां पे आपका पीएसआर 20% से ज्यादा है, तो अगर किसी भी कंसर्न में चाहे वो कंपनी हो या फर्म हो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वहीं पर आपका स्पॉस जॉब करता है और उसको वहां से सैलरी बोनस कमीशन रेमोनरेशन मिलता है, तो प्राइमा फेसी वो सैलरी बोनस कमीशन रेमोनरेशन उस व्यक्ति का माना जाएगा जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सीधा माना जाएगा। मतलब मिस्टर ए का किसी कंपनी में 25% शेयर है और उनकी वाइफ वहां जॉब करती है, 25 लाख का पैकेज है, वो 25 लाख इनकम मिस्टर ए की मानी जाएगी। कब नहीं मानी जाएगी? व्हेन शी मेक्स प्रूफ, वो प्रूव कर देती है कि भाई ये मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, ये रही मेरी क्वालिफिकेशन, ये रही मेरी डिग्री, ये है मेरा एक्सपीरियंस, मैं काम जानती हूँ, तो कोई बात नहीं है। अगर वो लेडी, मतलब वो स्पॉस, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, वो प्रूव कर देते हैं कि वो वाकई में जेन्युइनली वहां जॉब करते हैं, चाहे उनके पास कोई क्वालिफिकेशन और डिग्री ना हो बट एक्सपीरियंस हो, टेक्निकल नॉलेज हो, टेक्निकल एक्सपोजर हो और वो जेन्युइनली वहां काम करते हैं, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। और दूसरा, तब क्लबिंग नहीं होगी जब उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर है तो क्लबिंग होगी। कब नहीं होगी? जब उनका उसके वहां पर क्या हो बेटा, उनके पास या तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो या फिर वो टेक्निकल नॉलेज हो, चाहे डिग्री डिप्लोमा हो या यहां लिखा है एनी रेमुनरेशन सैलरी कमीशन फी एनी अदर फॉर्म इज रिसीव्ड बाय स्पॉस
ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम ए कंसर्न वेयर सच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो किसी इंडिविजुअल का अगर किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो उसके स्पॉस को मिलने वाला रेमोनरेशन किसी भी नाम से पैसा मिले वो पैसा उस इंडिविजुअल का माना जाएगा जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। किस केस में क्लबिंग नहीं होगी? क्लबिंग नहीं होगी दो केसेस में, या तो बेटा उनका क्या हो बेटा, देखिए समझिएगा, क्लबिंग कब नहीं होगी, देखिए सेक्शन नंबर 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज II विल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर रेमुनरेशन इज रिसीव्ड बाय स्पॉस ऑन टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास है, चाहे डिग्री डिप्लोमा हो या फिर उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना हो। अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे फिर डिग्री डिप्लोमा या क्वालिफिकेशन है या नहीं है, क्लबिंग नहीं होगी। तो पहली कंडीशन है कि किसी भी एक स्पॉस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो दूसरे स्पॉस को जो भी रेमुनरेशन मिलेगा वो उस स्पॉस की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा जिसके पास टेक्निकल डिग्री या सॉरी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। वापिस आते हैं, कुछ बातें समझने के लिए वापिस आते हैं। देखिए यहां पे ये समझिएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% या उससे ज्यादा का शेयर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब है उसका अपना शेयर प्लस रिलेटिव का शेयर। रिलेटिव में आएगा स्पॉस, ब्रदर सिस्टर और लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट। लीनियल असेंडेंट में आते हैं पूर्वज और लीनियल डिसेंडेंट में आते हैं वंशज। जैसे हमारे इस चित्र में ये जो नंबर दो दिखाई दे रहा है, ये नंबर दो हमारा असेसी है, ये वन और थ्री इसके भाई बहन हो सकते हैं, ये रिश्तेदार है, और ये सब इसके नंबर टू के बच्चे हैं, क ख ग 1 2 3 बेटा ये सारे लीनियल डिसेंडेंट है, इसके वंशज है। अब हम बात करते हैं पूर्वज के, ये इसके वाई जो है पापा जी है, एक्स और जेड बेटा ये अलग है, एक्स और जेड ठीक है ना, और फिर इनके ऊपर है बी, ये इनके दादाजी हैं, ये दादाजी के भाई बहन है ए और सी। ये जो ए और सी है ये हमारे लीनियर असेंडेंट में नहीं आएंगे, हमारे लीनियर असेंडेंट में ये आएंगे और ये सब आएंगे, ये डिसेंडेंट में आएंगे, क्लियर है। तो इन सब का अगर हमारा जो शेयर है वो मिलाकर 20% या उससे ज्यादा बनता है तो हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो किसी इंडिविजुअल का, तो उसके स्पॉस को मिलने वाला रेमोनरेशन उसी इंडिविजुअल का माना जाता है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में ट्विस्ट तब आता है क्वेरी में जब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, मिस्टर ए का भी उनकी मिसिस का भी, उस केस में बेटा जो भी रेमोनरेशन मिलेगा वो उस इंडिविजुअल की इनकम में क्लब होगा जिसकी इनकम इस रेमोनरेशन से पहले ज्यादा है। मिस्टर ए की इनकम है सपोज करिए 10 लाख और मिसिज ए की इनकम है 8 लाख। मिस्टर ए का एक कंपनी में 11% शेयर है और उनकी वाइफ का 10% शेयर है, दोनों का मिलाकर 21% शेयर बनता है जो कि एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये इनकम जो भी रेमोनरेशन मिला है उस कंसर्न से ए को और मिसिज ए को, सपोज करिए दोनों जॉब करते हैं, वो किसकी इनकम में जोड़ा जाएगा? तो हमें देखना पड़ेगा क्लबिंग से पहले किसकी इनकम ज्यादा थी। तो क्लबिंग से पहले जिसकी इनकम ज्यादा होगी पूरा का पूरा रेमुनरेशन उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, उनको आप समझ लीजिएगा। जैसे यहां पे मैंने एक समझाने की कोशिश की है कि ये क्यों कॉन्सेप्ट आया, इसी का एक कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको पीजीबीपी में मिलेगा सेक्शन नंबर 40A सबसेक्शन 2। बहरहाल अभी हम देखते हैं कोई क्वेश्चन अभी हमारे पास्ट ईयर के एग्जाम में आता है। तो ये था जी सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज II। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कहां लगता है, आप लोग भी चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ बताइएगा। आप लोग बताइएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 20% या उससे ज्यादा, तो चैट बॉक्स में बताइए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितने परसेंट में बनता है। और दूसरा ये बताइए क्या दोनों क्या क्या मिले ऑर्गेनाइजेशन से कि क्लबिंग होगी? तो जवाब है रेमुनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी मिले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो बेटा उसे हम क्लब करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, क्लब। क्लियर है आपको मेरी बात? अब हम जो अगला सेक्शन देखने जा रहे हैं वो है 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज VI, ठीक है ना, IV। मैं फिर बीच में रिपीट कर रहा हूं, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ना डिडक्शन का क्वेश्चन होगा ना वो सेट ऑफ का होगा, वो मिक्स होगा। उन मिक्स क्वेश्चन की तैयारी मैं बहुत दिन से बच्चों को करा रहा हूँ,
और मैंने कुछ क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं। जैसे मैंने अभी सेट ऑफ का लिंक दिखाया था, क्लबिंग की नहीं मैंने कराई थी, तो क्लबिंग को मैं अभी कोशिश करूंगा, जो भी पास एग्जाम में आए होंगे और वो हम क्लबिंग के करेंगे क्वेश्चंस। जैसे मैं रेसिडेंशियल स्टेटस को रिवाइज कराऊंगा, मगर उसके सारे क्वेश्चन आंसर ए टू जेड में डाल चुका हूँ और बहुत डिटेल में है, वहां पर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कहीं पर भी कि मैंने बीच में से कोई बात एडिट कर दी है। जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया सेम क्लास, बिना कुछ भी एडिट किए हुए ऐसे ही अपलोड कर दिए वो, ठीक है। उसमें थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो थोड़ा मैं लीथल दिखाई दे सकती है मेरी एक्टिवनेस, उसमें मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है ना। तो वो लीनियंट दिखाई दे सकता हूँ, लीथल नहीं दिखाई दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो लीनियंसी उसकी वजह से होगी, मेरी तबीयत उस समय ठीक नहीं थी। सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई बी, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एन एसेट टू स्पॉस, अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है कोई एसेट अपनी स्पॉस को, बेटा इससे पहले मैंने अभी आपको रिविजन नहीं कराया हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें मैं आपको बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट है डीम्ड ऑनरशिप। याद रखिएगा, अगर एक इंडिविजुअल अपने स्पॉस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन, तो उस पर कभी भी ये सेक्शन 64 नहीं एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन नंबर 27 जो डीम्ड ऑनरशिप का सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। अगर एक इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर और कोई सी भी एसेट अपने स्पॉस को विदाउट कंसिडरेशन देता है, तो उस एसेट से होने वाली इनकम उसी इंडिविजुअल की इनकम मानी जाएगी। If an individual transfer an asset to spouse without adequate consideration, then income from such asset is to be included in the income of individual. तो कभी भी आप कोई एसेट, मिस्टर ए ने कोई एसेट सपोज करिए शेयर 10 लाख के अपनी वाइफ के नाम पर कर दिए, तो उससे जो भी डिविडेंड मिलेगा वो उनकी वाइफ का नहीं होगा, मिस्टर ए का होगा। बट अगर मिस्टर ए ने उस शेयर को विद कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है, मतलब अपनी वाइफ से पैसा लिया है उसका, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। ओके, क्लियर है। अभी एक यहां पे एक एग्जांपल देखिए जरा सामने। डिबेंचर की फेयर मार्केट वैल्यू है 20 लाख रुपए और मिस्टर अप्पू ने मिसेज अप्पू को, मिस्टर अप्पू एक इंडिविजुअल है, उनकी वाइफ मिसेज अप्पू है, मिस्टर अप्पू ने मिसेज अप्पू को कहा ये लो डिबेंचर 20 लाख रुपए के, कंसिडरेशन लिया 15 लाख रुपए, मिसेज अप्पू ने चेक काट के दे दिया 15 लाख रुपए। बेटा यहाँ कंसिडरेशन लिया तो है, बट वो एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है। इनके बीच में आप देख सकते हैं 5 लाख का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? अगर कभी भी ऐसा डिफरेंस आ जाए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 की एक टेक्निक का यहाँ यूज होगा। और वो टेक्निक क्या है? जो भी एक्चुअल कंसिडरेशन है वो है 15 लाख, उसका आप निकालिए 10%, 15 लाख का 10% बनेगा 1.5 लाख और लिमिट है 50,000। 1.5 लाख और 50,000 में हायर अमाउंट है 1.5 लाख। फिर आप ये देखिए कि जो डिफरेंस है एफएमवी का और एक्चुअल कंसिडरेशन का, जो कि डिफरेंस 5 लाख है, क्या वो 5 लाख हायर से भी ज्यादा है? मैं दोबारा समझाता हूँ। मिस्टर अप्पू ने अपनी वाइफ को 20 लाख रुपए के डिबेंचर 15 लाख रुपए के बदले में दे दिए, तो कंसिडरेशन लिया मगर 5 लाख कम, तो डिफरेंस है 5 लाख का। हमें देखना है कि डिफरेंस लिमिट के अंदर है या नहीं। लिमिट क्या है? लिमिट दो चीजों का हायर देखा जाता है, 50,000 रुपए और एक्चुअल कंसिडरेशन का 10%। एक्चुअल कंसिडरेशन आप हमारे क्वेश्चन में देख सकते हो 15 लाख है, उसका 10% 1.5 लाख और 50,000 विच एवर इज हायर 1.5 लाख। क्या डिफरेंस 1.5 लाख से ज्यादा है? तो जवाब है हाँ। अगर डिफरेंस इनके हायर लिमिट से भी ज्यादा है तो बेटा उसे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कहेंगे, यानी कि ये 15 लाख रुपए कैसा कंसिडरेशन है? इनएडिक्वेट। तो इस केस में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो क्लब होगा, बट प्रोपोर्शनेटली क्लब होगा। सपोज करो इंटरेस्ट मिला है 2,20,000 का, 2,20,000 का इंटरेस्ट मिला है 20 लाख रुपए के अमाउंट पर, तो 15 लाख पर कितना बनेगा और जो 5 लाख का अमाउंट है जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है उस पर कितना बनेगा? तो हमने यहाँ 5 लाख पर निकाला है, 15 लाख तो मिल गए, यानी कि 20 लाख में से 15 लाख मिल गए। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 15 लाख 75% होता है 20 लाख का। इसका मतलब यह है कि जो भी इससे अब इनकम होगी उसमें कुछ इनकम मिसिज अप्पू की भी मानी जाएगी और कुछ मिस्टर अप्पू की भी। मान लीजिए यही 20 लाख के बदले में मिस्टर अप्पू 19 लाख रुपए 19 लाख रुपीस ले लेते, फिर क्या होता? तब भी डिफरेंस था 1 लाख का, मगर फिर क्या करते हम? एक्चुअल कंसिडरेशन होता उस समय 19 लाख, उसका 10% निकालते 1,90,000, जहां जहां 1.5 लाख लिखा है वहां पर फिर 190 आता और 50 विच एवर इज हायर 190, और हायर जो है वो डिफरेंस उससे डिफरेंस ज्यादा नहीं है इसके हायर से,
मिस्टर अप्पू ने 20 लाख के डिबेंचर 19 लाख में दे दिए, तो डिफरेंस 1 लाख हुआ। ये तो हो गया डिफरेंस 1 लाख। अब हमें देखना हायर, हायर में हमें लेना है एक्चुअल कंसिडरेशन का 10%, 19 लाख का 10% 190 और 50 विच एवर इज हायर 190। तो डिफरेंस जो है वो 190 से ज्यादा नहीं है, 190 से कम है, इसलिए वहां पे क्लबिंग नहीं होगी। जब क्लबिंग तब होगी जब कंसिडरेशन ना हो बिल्कुल भी, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। और पता कैसे चलेगा वो एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है? जो भी कंसिडरेशन है उसका 10% लो और 50,000 विच एवर इज हायर। अगर डिफरेंस इनके हायर से ज्यादा है तो वो इनएडिक्वेट है। तो आप जब ये मेरा एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद आता है 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। ये लॉ तब लगता है कि जब एक इंडिविजुअल कोई ऐसे ट्रांसफर करे बिना कंसिडरेशन के अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को। यही है बेटा, नहीं मतलब यहां पे है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसे ट्रांसफर करे अपने सन्स वाइफ को, बेटे की वाइफ को, यानी कि घर की बहू को, ट्रांसफर करने वाला कोई भी हो सकता है। आप समझिए ऐसे अमिताभ बच्चन या जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन को कोई ऐसे ट्रांसफर करती है विदाउट कंसिडरेशन, और वो लेडी ऐश्वर्या राय उसको री इन्वेस्ट कर देती है अपने बिजनेस में, तो उससे होने वाला प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली इंडिविजुअल का माना जाएगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल को ऐसे ट्रांसफर करता है अपने सन्स वाइफ को, और तो उससे होने वाली इनकम इंडिविजुअल की इनकम भी मानी जाएगी। हमने एक एग्जाम्पल दिया, मिस्टर ए के पास एक घर था, हाउस प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अपने सन्स वाइफ को वो प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के दे दी। इस प्रॉपर्टी से रेंट आया 10 लाख का, तो ये 10 लाख रुपए का रेंट मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी। हाँ, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी। ये सब मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है ना। अब आती है बात, अभी हमने जो दो लास्ट कॉन्सेप्ट किए उसमें एक तो स्पॉस थी और एक सन्स वाइफ थी। तो अगर एक इंडिविजुअल अपनी वाइफ को या अपनी सन्स वाइफ को कोई ऐसे ट्रांसफर करता है तो उससे होने वाली इनकम इंडिविजुअल की इनकम मानी जाती है। हम पिछले दो कॉन्सेप्ट में पढ़कर आए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर एक इंडिविजुअल अपने स्पॉस को या अपने सन्स वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर करे और वो एसेट उनकी खुद की वाइफ या उनकी सन्स वाइफ बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे, तो उस बिजनेस से होने वाली इनकम प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगी उस इंडिविजुअल की इनकम में। ये यहां पर इस सेक्शन में हमने इसी सेक्शन को जो दो पिछले सेक्शंस पढ़े उनका एक ये कॉमन पॉइंट है जिसको हमने कॉन्सेप्ट नंबर 7 में लिखा है। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एन एसेट टू स्पॉस और सन्स वाइफ एंड सच एसेट इज इन्वेस्टेड एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन अ बिजनेस बाय स्पॉस और सन्स वाइफ देन इनकम फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। और क्लबिंग कैसे होगी? जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है बिजनेस से वो लीजिए, डिवाइड करिए टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे होना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर दें उस अमाउंट से जो भी उन्होंने ट्रांसफर किया है। आइए मैं इसे समझाने के लिए यहां एक एग्जांपल देता हूं, इसे समझिएगा। मिस्टर ए ने मिसेज ए को 30 जून 2023 को 5 लाख रुपए गिफ्ट किए, कैश दे दिया। मिसिज ए ने स्टार्ट किया एक बिजनेस 30 जून 2023 को, 5 लाख जो अपने हस्बैंड से मिले थे वो, और 5 इनके पास अपना पैसा था, टोटल 10 लाख रुपए से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये 10 लाख रुपए मिसिज ए की कैपिटल है। इन्होंने इस वर्ष इस पर प्रॉफिट कमाया 2,10,000 रुपए का। अब ये 2,10,000 का प्रॉफिट जो इन्होंने कमाया है मिसिज ए ने, वो 10 लाख रुपए की कैपिटल पर कमाया है, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को मिसिज ए ने 10 लाख रुपए लगा दिए थे, और मिसिज ए का जो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर है वो 30 जून 2023 है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस ही 30 जून को स्टार्ट किया। उसमें से उनके हस्बैंड ने 5 लाख रुपए दिए थे, तो 1,05,000 रुपए बनता है। ये 1,05,000 रुपए मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी। इसी एग्जाम्पल को आप ऐसे समझिए, मिस्टर ए अपनी वाइफ को 5 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं कैश 30 जून 2023 को, मिसिज ए ने स्टार्ट किया था बिजनेस
1 अप्रैल 2023 को, और इनकी कैपिटल थी 5 लाख रुपए। मिसिज ए की कैपिटल थी 5 लाख रुपए। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था कब? 1 अप्रैल को। अब क्वेश्चन उठता है क्लबिंग कितनी होगी, तो प्रॉफिट कमाया है उन्होंने सपोज करिए 2,10,000। मतलब मिसिज ए ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था 1 अप्रैल को, हस्बैंड ने पैसा दिया 30 जून को, तो आप बताइए 1 अप्रैल को उनके हस्बैंड टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी? मात्र 5 लाख, क्योंकि जो पैसा दिया उनके हस्बैंड ने वो 30 जून को दिया है, तो 1 अप्रैल को टोटल वैल्यू क्या थी? 5 लाख इंटू में 1 अप्रैल को उनके हस्बैंड ने क्या पैसा दिया था? 0। यहां पे क्लबिंग नहीं होगी, इस बात को समझना मैंने ये क्या लिखा है, यहां 0 क्या क्यों लिखा है और यहां 5 लाख क्यों लिखा है। देखिए यहां लिखा हुआ है मैंने साफ, अमाउंट और एसेट गिवन बाय इंडिविजुअल फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर सेम था, और जिस दिन एसेट दी गई थी वो भी वही दिन था। फर्स्ट एग्जाम्पल में 30 जून को उनकी लेडी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 30 जून ही उनके बिजनेस का फर्स्ट डे था। मगर सेकेंड एग्जाम्पल में लेडी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था 1 अप्रैल को, और उनके हस्बैंड ने पैसा दिया 30 जून को, 3 महीने के बाद। तो फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल को उनके हस्बैंड ने कोई भी पैसा नहीं दिया था, तो इसलिए ये 0 हो गया, और उस एग्जाम्पल में सेकेंड एग्जाम्पल में ये 5 लाख हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। इस एग्जाम्पल को मैं उसमें छोड़ रहा हूँ पीडीएफ में जान पूछ कर, ठीक है ना, बाकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं इन एग्जाम्पल से भी इसको, ठीक है। इसके बाद आता है इनकम ऑन एक्यूमुलेटेड इनकम, इनकम पे इनकम होना। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को 2 करोड़ रुपए की डिबेंचर दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर इंटरेस्ट आया 20 लाख का, तो हमने अभी जान लिया है कि 20 लाख रुपए मिस्टर ए की इनकम माना जाएगा, सिर्फ इनकम माना जाएगा, उनकी वाइफ उनको पैसा नहीं देने वाली है 20 लाख रुपए, सिर्फ इनकम पर मिस्टर ए को टैक्स देना है, ठीक है। अब 20 लाख रुपए उनकी वाइफ के अकाउंट में आ गए, दूसरे साल फिर 20 लाख रुपए आ गए, ये 20 लाख रुपए फिर से मिस्टर ए की इनकम माने जाएंगे। अब लेडी के पास हो गए 40 लाख रुपए, उस लेडी ने क्या किया, इस 40 लाख रुपए का FD करा दिया। अब इस FD पे इंटरेस्ट आ रहा है, बेटा ये क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड इनकम पर इनकम अर्न की है। तो याद रखना, कभी भी एक्यूमुलेटेड इनकम पर इनकम अर्न करे कोई तो वो क्लबिंग नहीं होगा। जब तक उस 2 करोड़ के डिबेंचर पर इंटरेस्ट आता रहेगा वो तो मिस्टर ए के साथ क्लब होगा, मगर जो इंटरेस्ट के ऊपर वो फर्दर कोई इनकम कमा रही है वो क्लबिंग नहीं होगी। मगर जो माइनर चाइल्ड वाला केस होता है जो हम पहले पढ़कर आए, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा सिंगिंग कॉम्पिटिशन में गाना गाता है और उसको वहां से 5 लाख का इनाम मिलता है, ये 5 लाख का इनाम माँ बाप की इनकम में क्लब नहीं होगा, क्योंकि उसने स्किल और टैलेंट से पैसा कमाया। उसके माँ बाप ने क्या किया, ये 5 लाख रुपए की FD करा दी, अब FD पे इंटरेस्ट मिला, ये माँ बाप की इनकम के साथ क्लब होगा, ये होगा। ये जो मैंने माइनर चाइल्ड वाला एग्जाम्पल दिया बेटा वो अलग है, और जो ये एग्जाम्पल दिया है वो अलग है, बोथ आर डिफरेंट। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात, दोनों डिफरेंट है। इनकम ऑन एक्यूमुलेटेड इनकम क्लब नहीं होती, बट माइनर चाइल्ड में थोड़ा अपोजिट है, इस बात को समझना। अच्छा, अभी तक आप सुन रहे हैं कि इनकम इंक्लूड होगी, इनकम इंक्लूड होगी, बिल्कुल जी इनकम इंक्लूड होगी, और अगर लॉस हो गया तो वो भी बेनिफिट ले सकता है। तो जैसे अभी मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया कि मिस्टर डी ने अपनी वाइफ को 5 लाख रुपए दिए और वो 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ था। मान लीजिए 2,10,000 का प्रॉफिट ना होता, 2,10,000 का लॉस हो जाता, तो अगर आप 1,05,000 का प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, अगर लॉस हो जाता तो वो माइनस भी करेंगे, वो सेट ऑफ का बेनिफिट भी लेगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर 9 में, इनकम में लॉस भी इंक्लूड है। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू HEF। मतलब सर ये क्या मतलब होता है, मिस्टर ए ने एक मकान खरीदा और उसका उस मकान का मकान को खरीदने के बाद अपने HEF के नाम पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। याद रखिएगा, जब तक अब इसका पार्टीशन नहीं होगा HEF का, तो इस मकान से मिलने वाला किराया सारा का सारा इंडिविजुअल का माना जाएगा, ये इनकम इंडिविजुअल की है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कॉमन स्टॉक में अगर कोई आप प्रॉपर्टी थ्रो कर दें जो आपने पर्सनली एक्वायर की है विदाउट कंसिडरेशन, तो जब तक उस HEF का पार्टीशन नहीं होता, उस प्रॉपर्टी से या एसेट से होने वाली इनकम इंडिविजुअल की मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर खरीदे और वो डिबेंचर अपने HEF के नाम कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हर वर्ष जितना भी इंटरेस्ट आएगा
वो उस इंडिविजुअल का माना जाएगा, एचईएफ का नहीं माना जाएगा। पर जब पार्टीशन हो जाएगा एचईएफ का, तो जो एसेट उस इंडिविजुअल को मिलेगी वो तो, और जो उसके स्पॉस को मिलेगी और जो उसके माइनर बच्चों को एसेट मिलेगी, उससे होने वाली इनकम उस इंडिविजुअल की इनकम मानी जाएगी। तो पार्टीशन से पहले एचईएफ को जो भी एसेट उस इंडिविजुअल ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, उससे होने वाला इंटरेस्ट, मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं फिर से। मिस्टर ए ने 2 करोड़ रुपए के डिबेंचर खरीदे, अपने एचईएफ के नाम कर दिए, एवरी ईयर 20 लाख का इंटरेस्ट आता है, ये मिस्टर ए की इनकम है, भले ही एचईएफ के नाम पर है डिबेंचर। 5 साल के बाद एचईएफ का पार्टीशन हुआ, मिस्टर ए को, मिसिज ए को और उनके एक माइनर बच्चे को 2 करोड़ में से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। अब आगे से जो क्लबिंग होगी वो 1 करोड़ को लेकर होगी, बाकी को लेकर नहीं होगी। इज इट ओके? ये था जी। इसके बाद एक लॉ है जो केशव जी मोरार जी का केस है, क्रॉस ट्रांसफर, इसको लेकर कोई सेक्शन नहीं है। मिस्टर ए ने क्या किया इसको समझिएगा, अपनी वाइफ को अगर कोई एसेट गिफ्ट करते तो उससे होने वाली इनकम मिस्टर ए की मान ली जाती है, ऐसा भी हम सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज IV में पढ़कर आए। तो मिस्टर ए ने अपने भाई से कहा, यार अगर मैं अपनी वाइफ को एसेट गिफ्ट करूंगा तो उससे होने वाली इनकम मेरी इनकम मान ली जाएगी, और तू अपनी वाइफ को एसेट गिफ्ट करेगा भाभी जी को तो वो तेरी इनकम मान ली जाएगी। एक काम करते हैं कि मैं आप जो मेरी भाभी हैं मैं उनको नाम पर एसेट गिफ्ट कर देता हूं, मतलब अपने भाई की वाइफ पर, और तुम एक काम करो मेरी वाइफ के नाम पर कर दो या मेरे बेटे के नाम पर कर दो, तो डायरेक्ट ना तुम पे टैक्स लगेगा ना मुझ पर, मतलब हम दोनों भाई मिलकर कनाइवेंस कर रहे हैं। कनाइवेंस मतलब मिली भगत, इसको हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। तो सीधा सीधा आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, मतलब ट्रांजेक्शन को इस तरीके से सेट किया जा रहा है ताकि टैक्स ना देना पड़े। तो हमारे इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने घर खरीद कर अपने भाई की वाइफ को दे दिया मिसेज बी को, और मिस्टर बी ने उसके बदले में क्या किया, उनके एक माइनर सन मिस्टर ए के बेटे को कंपनी के शेयर दे दिए 4.5 लाख के। तो 4.5 लाख पर जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी दोनों के हैंड में, ए और बी के। इस पूरे ट्रांसफर में, इसको क्रॉस ट्रांसफर कहते हैं, ए ने मिस्टर बी की वाइफ को और मिस्टर बी ने ए के माइनर सन को ट्रांसफर किया, ये क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है कि मैं तुमको ट्रांसफर करूंगा तुम मुझको, मगर इसमें जो लीस अमाउंट होगा टैक्स उसकी रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। मिस्टर ए ने ट्रांसफर किया 5 लाख का प्रॉपर्टी, बी ने ट्रांसफर किया 4.5 लाख का शेयर, तो 4.5 लाख के पे जो भी इनकम बनेगी वो ए की इनकम में और बी की इनकम में एड होगा 4.5 लाख के रेस्पेक्ट में, जो 50,000 है बाकी उस पर टैक्सेबल नहीं होगा। ये मैंने ICI के मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 का आंसर यहाँ डाल रखा है, वासुदेवन वाला, वो आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे क्लबिंग हमारा समाप्त होता है। मुझे लगता है अभी शायद 1 घंटा भी प्रॉपर नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, है ना, तो 1 घंटे की अभी क्लास नहीं हुई है जो मुझको दिखाई दे रहा है टाइम में, ठीक है ना। तो अभी अब हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, PY क्वेश्चंस, ओके। तो यहाँ पे जो भी बच्चा टाइमलाइन बनाता है वो PY क्वेश्चन की टाइमलाइन डाल देगा, और सेटअप के PY क्वेश्चंस हो गए हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप सब लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको जरूर देखें, आज ही पूरा कर लें। अगर ये अभी पूरा हो जाएगा हमारा तो हम बेटा इस क्लास को यहाँ पे फिर रोक देंगे, एक और नए लिंक से दोबारा से आएंगे हम आपसे अभी मिलेंगे, मतलब वो है रेसिडेंशियल स्टेट, वो मैंने क्लास शेड्यूल कर रखी है आज रात के 10:15 की, अब से 1 घंटे बाद की। अगर पहले ही हो जाता है तो हम पहले ही लाइव हो जाएंगे उस क्लास में, ठीक है, 5 मिनट का गैप देकर। फिलहाल अभी हम बातें नहीं करते, आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे है जी ये, हम शुरुआत से आएंगे। सबसे पुराना पेपर हमारे पास कौन सा है, आई थिंक May 18 का है ये वाला। सब लोग, आप भी लोग भी ढूंढते हुए चलना कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन है, ताकि मैं ही अकेला ना ढूंढू बैठकर, और पहले से ढूंढ के रख लो ताकि मुझे भी फायदा मिले बेटा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो GTI का क्वेश्चन है। अच्छा, पेपर कैसा आएगा आप लोगों को मालूम है ना, इनकम टैक्स और GST दोनों 50-50 नंबर के आएंगे, 15-15 नंबर के MCQ आएंगे, जो बाकी 35 मार्क्स है उसमें पहला क्वेश्चन अब 14 नंबर का नहीं आएगा, अब 15 नंबर का आएगा, और 15 नंबर में भी एक क्वेश्चन नहीं होंगे, दो होंगे, एक 10 का और एक 5 का, और वो दोनों GTI के होंगे, ठीक है।
और डिफॉल्ट स्कीम को हमें बहुत मजबूत करना है। देखो पेपर में क्या आएगा ये कोई दावे से नहीं कह सकता, हमें अपने सब्जेक्ट को अच्छा करना है बस। और याद रखना अकाउंट का पेपर ऊपर वाला करे आपका बहुत बेहतरीन अकाउंट का पेपर जाए, बट पेपर है फिर भी, तो किसी का हो जाता है नहीं अच्छा जाता, तो आप टेंशन ना लें, लॉ में मेहनत करें जैसा भी जाए। अब इसका इंपैक्ट टैक्स पे मत पड़ने देना, जैसा भी जाए अब अकाउंट और लॉ का पेपर, क्या पता उसमें 40-40 आ जाए, या अकेला आपको 60-70 नंबर दिलवा दे, या लॉ में 60 दिलवा दे इनमें 40-40 आ जाए। तो ये बात याद रखना, हर एक पेपर इंडिविजुअल पेपर है। आप बताइएगा मुझे आज सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप एक ग्रुप दे रहे हैं सपोज करिए, ओके, और अकाउंट का पेपर एकदम गंदा गया आपका और नंबर भी 30 आए, लॉ में 25 आए और टैक्स में 80 आए, फेल हुए ना, मगर कम से कम अगली अटेम्प्ट में टैक्स का पेपर जैसा पहाड़ पेपर नहीं देना। उससे अच्छी सिचुएशन में है या नहीं बताइए आप मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में, या ये मानोगे भाई या तो हम पूरे फेल हो या पूरे पास हो। ऐसा कहना आसान है मगर जब आपको एक पेपर में भी पास होने का, वो अलग ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर अभी भी कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो भाई वो मई की तैयारी तो छोड़ दे, वो भूल जाए फिर, ठीक है ना। पढ़ने वाले बच्चा फेल हो जाता है, आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो भी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, ये तय शुदा बात है। और अभी से कई बच्चों ने सोच लिया यार मई में पेपर दे दूंगा, जैसे हो गए ठीक है, फिर सितंबर में तो पेपर होना ही है, सब कुछ आया है, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है बात, इसलिए अभी आप पूरी बात मत मान के चलिए कोई भी बात। कई बार ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट से परमिशन मिलने में देर लग जाती है, तो पता चला पेपर फिर से नवंबर में हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा वो मत लीजिए। अभी महीना भर पड़ा हुआ है, 7-8 दिन इस महीने के हैं, ठीक है ना, तो अपनी तैयारी करिए, एक ग्रुप निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपको आपका टीचर जो मेहनत कर रहा है आपके साथ और एक ग्रुप ना आप निकाल पाओ तो बेटा सोचना थोड़ा सा अपने बारे में, क्या आप में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है। मुझ जैसा टीचर जो मैं जानता हूँ अपने बच्चों के पीछे कैसे पढ़ा रहता हूँ मैं, और वो पास ना कर पाए तो बेटा फिर आप समझ लो, फिर आप हमारी को हमारी कदर नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बारे में अपनी कदर नहीं करते, और एक दिन फिर समय निकल जाएगा बेटा, फिर आपकी कोई कदर नहीं करेगा, अभी बस आप अपनी नहीं करते हो फिर कोई नहीं करेगा, ये याद रखना बात। अभी समय है, झोंक दो अपने आप को, ठीक है। अभी बताइए मई 18 के पेपर में बेटा जल्दी जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन है, बेटा मेरा मुंह देख रहे हैं बेटा, भाई ऑनलाइन ऑफलाइन जिन बच्चों को क्वेश्चन अगर मुझसे कराने हैं तो मुझे बताइए कौन से पेपर में कौन सा नंबर क्वेश्चन है, तभी मैं क्या बैठ के ढूंढूंगा इनको। मई 18 के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है क्लबिंग से रिलेटेड, अब हम चल रहे हैं नवंबर 18 में, मई 18 में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला, नवंबर 18 में देख लेते होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। सेट ऑफ के तो मैंने बता दिया है, इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को लेकर है, ये एग्रीकल्चर इनकम को लेकर है। बेटा आप लोग बताएंगे मेरी हेल्प करेंगे तो ही तो मैं जल्दी जल्दी करा पाऊंगा बेटा आप लोगों को। अच्छा कोई बच्चा जरूरी नहीं है कि सब एक ही पेपर ढूंढने बैठ जाए, कोई मई 19 का ढूंढ लो, कोई नवंबर 19 का ढूंढ लो, जहां मिल जाएगा वहां से मैं पहले करा दूंगा बेटा। नवंबर 19 में भी नहीं है, इसके बाद 18 में, सॉरी मई 19 में देखते हैं,
बेटा आप लोग 2020 में भी ढूंढ लो। सर ये क्या लिख रहे हैं? देख लो बेटा, एक बार देख लो, आप मेरी हेल्प कर दो। अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, किसी भी पेपर में नहीं है। नहीं, सेट ऑफ के हैं मगर ऐसा नहीं है किसी भी पेपर में नहीं है। मई 2019 में ना वही पेपर निकाल रखा है मैंने। कौन सा क्वेश्चन है, किस नाम से है मुझे बताओ। मुझे तो मई 19 में भी नहीं मिला बेटा। हाँ तो कहाँ पे है? मई 19 में नहीं है, होगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी बाद में तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ही। नवंबर 19 में, नवंबर 20 में है, आ जाइए नवंबर 20 में आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा कोई 21-22 को भी देख लो अभी। ये जी थर्ड का भी बच्चे ने मुझे बताया है, कह रही ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री राम कुमार एंड श्रीमती राम कुमार। ये क्वेश्चन है नवंबर 2020 का, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। अच्छा इतने ना आप लोग 21, 22 और 23 में भी देख लेना और मुझे बताते रहना। जीटीआई निकालना है। अच्छा ये देखिए आप निकालना क्या है, चाहे क्लबिंग का क्वेश्चन आए बच्चों, चाहे सेटअप का क्वेश्चन आए, एक टीडीएस टीसीएस छोड़कर सब में जीटीआई पूछा जाता है। ऑफ श्री राम कुमार एंड श्रीमती राम कुमार तब फॉर द असेसमेंट ईयर। बेटा इसको असेसमेंट ईयर अपने हिसाब से 24-25 कर लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग, सैलरी रिसीव की है श्री राम कुमार ने कंपनी से 1,80,000, और श्रीमती राम कुमार ने ऑल्सो डूइंग जॉब इन ए कंपनी एंड गेटिंग सैलरी 2,40,000। ठीक है, एक ही इनकम 1,80 आ गई और 2,40। उसके बाद श्री राम कुमार ट्रांसफर्ड अ फ्लैट टू हिज वाइफ श्रीमती राम कुमार ऑन 1 सितंबर 2023 फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। पैसे लेके दिए हैं बेटा। द रेंट रिसीव फ्रॉम दिस लेट आउट हाउस इज 9,000 पर मंथ। ठीक है, तो बेटा इसमें जो 1 सितंबर से पहले तक का रेंट है वो श्री राम कुमार का इनकम मानी जाएगी, और उसके बाद श्रीमती राम कुमार की। यहाँ पे डीम्ड ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। श्री राम कुमार एंड हिज वाइफ बोथ आर पार्टनर इन ए फर्म एंड रिसीव 36,000 एंड 64,000 इज इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो हैड ए शेयर और प्रॉफिट 12,000 और 26,000। बेटा हमें हमें इसे उसमें ऐड करना होगा जिसकी भी इनकम क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। उसके बाद है श्रीमती राम कुमार ट्रांसफर 10% डिबेंचर वर्थ ₹3,00,000 टू श्री राम कुमार। ठीक है, द होल अमाउंट 330 इन्वेस्टेड बाई श्री राम कुमार इन द सिमिलर इन्वेस्टमेंट एंड अर्न इनकम ऑफ 39,000। ओके, हम मान रहे हैं कि इसमें इन्होंने एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया, ये क्लबिंग होगा। तो 39,000 है वो क्लबिंग नहीं होगा क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड इनकम है। मदर ऑफ श्री राम कुमार ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू मास्टर रोहित सन ऑफ श्री राम कुमार इन द ईयर 2018 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 18, एक मिनट रुकना बेटा, यहां पर 2022 कर देना बेटा इसको। मास्टर रोहित एज 13 ईयर रिसीव्ड 15,000 इज इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑन 20 फरवरी 2020, इसको 24 कर देना। ठीक है ना, तो ये 15,000 की इनकम किसकी मानी जाएगी, ठीक है ना, ये मानी जाएगी श्री राम कुमार, या जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में बच्चे की इनकम क्लब होगी। ठीक है, अब आप मुझे बताते हुए चलना। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी है। एक बार मैं भी मोबाइल में ये क्वेश्चन
निकाल लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को कराता हूँ। किसी और चैप्टर, किसी और क्वेश्चन उसमें नहीं है क्वेश्चन, चेक कर लेना बेटा, है ना। ये अभी कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पेपर था ये वाला जो अभी देख रहे, नवंबर 20। लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ GTI पर्टिकुलर्स। हम यहां जो लिखने वाले हैं वो असेसमेंट ईयर 2024-25 लिखने वाले हैं। श्री राम कुमार और श्रीमती राम कुमार, सैलरी इनकम यह इनकी 1,80,000 और 2,40,000। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जिसकी हम अलग से नोट 1 में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां लिख रहा हूं अप्रैल-अगस्त तक और सितंबर से मार्च तक, आई थिंक ये 7 मंथ्स आएंगे। बताइए कितना आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितनी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू? 9,000 रुपये पर मंथ, 5 महीने की 45,000 आएगी। इसमें से माइनस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और वो नहीं है ना, म्यूनिसिपल टैक्स तो है नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दीजिए 24 क्लॉज A में, बेटा ये आएगा 13,500 और ये आएगा आई थिंक 18,900। बेटा माइनस कर दीजिए, ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताइए माइनस करके कितना आएगा, नहीं आएगा बेटा। और ये 18,900 माइनस करके बताइए कितना आएगा। हाँ पक्का यही आएगा ना, और तो कुछ नहीं है। और क्योंकि उन्होंने एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया था, तो ना तो डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लगेगा ना कुछ। 31,500 और 44,100 यहाँ जोड़ देंगे हम, 3rd है श्रीमती राम कुमार और उनको एक, दोनों एक पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, और रिसीव हुआ है 36,000 रुपये, है ना। और एंड श्रीमती राम कुमार 64,000 रुपये एज इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो हैड ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा याद रहे जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, वो नहीं आएगा यहां पर, वो एक्सेम्प्ट है। उसके अलावा उनको मिला है बेटा क्या, इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट किसी भी पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिलता है ना बेटा, ये पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है, वो सैलरी इनकम नहीं होती,
ठीक है, वो इनकम पीजीबीपी की होती है। और पीजीबीपी पे जो हमने आज पढ़ा था ना कि अगर किसी कंसर्न के अंदर किसी इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो तो वहां से मिलने वाला सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन वो क्लब होता है, सुनना बेटा, वो क्लब होता है। ये जो इंटरेस्ट इसको मिल रहा है ये पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है, और पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाली इनकम पीजीबीपी में आती है, सैलरी वाली इनकम नहीं है ये, ठीक है ना। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम फर्म टैक्सेबल है अंडर हेड पीजीबीपी एंड क्लबिंग प्रोविजन आर नॉट, बताओगे कितना अमाउंट आएगा जी? ये सैलरी इनकम दिया हुआ है ना, या रिसीव दिया हुआ है? अच्छा ठीक है, बच्चा कह रहा है कि जी आपने सैलरी इनकम में 1,80 और 2,40 में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी, वो मैं अभी माइनस कर दूंगा, वो भी करनी है। सही कह रहे हैं, वो सैलरी रिसीव है, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर 1,30 आएगा और यहाँ पर 190 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? 1, 2, 3, 4, इंटरेस्ट कितना कितना है बेटा? 36,000 और 36,000। उसके अलावा डिबेंचर है 3 लाख रुपए का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये डिबेंचर किसने दिए हैं बेटा? श्रीमती राम कुमार ने दिए 3 लाख के डिबेंचर, उस पर 10% का इंटरेस्ट मिला, वो 30,000 रुपये यहाँ क्लब होंगे। इसको हमें नोट टू में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बोलो बेटा, इसमें हमें ये लिखना पड़ेगा कि कोई इनकम अगर ऐसे ट्रांसफर देने से होती है तो वो इनकम ऐड होगी। और एक और इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका हम नोट 3 देंगे, वो 39,000 का, ऐसे ही है ना कुछ। अब इसके बाद हम देख लेंगे इनमें से दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है। अगर देखा जाए तो मिसिज की ज्यादा लग रही है, क्योंकि इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड उसकी इनकम में ऐड होगा जिसकी इनकम ज्यादा है। यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची बिल्कुल भी, आप ऐसी खिचड़ी मत पकाइएगा, इसका मैं अलग से एक नोट दूंगा, नोट नंबर 4। और ये मैं इसकी वाइफ की इनकम में जोड़ूंगा, 15,000 रुपये का आई थिंक रेंट है ना, जो रिसीव हुआ है उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके 10,500 यहाँ ऐड कर दूंगा, और साथ में 1,500 रुपये और माइनस करूंगा। इसका नोट नंबर 4 हो गया, ठीक है। 10 सबसेक्शन 32, ये बता दो बेटा ये इनकम कितनी कितनी आएगी? बताओ किसकी आई? 2 लाख। जीटीआई कितनी कितनी? 2 लाख 5,000। और इसकी एग्जैक्ट, अब बताओ मुझे नोट नंबर 2 किसका देना था? 1 तो हो गया, नोट 2 बताओ किसका देना? हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर शैल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ श्रीमती राम कुमार, फुल स्टॉप।
सेंस डिबेंचर आर ट्रांसफर्ड विदाउट क्या, तो बेटा क्या कर रहे हो नींद में कर रहे हो? एडिक्वेट कंसिडरेशन बताओ, कोई बात नहीं, अब बताओ कोई बात नहीं, सही कर देंगे उसको। मैं तभी तो बार बार बोल रहा था कि कुछ गलत कर रहे हो। बताओ ये गलत बताया है, बताओ क्या है ये वाला। अभी एक बार और देख लो, अभी सब लोग पहला और दूसरा क्या बता रहे हो आप लोग, जो भी बताना ठीक बताना इस बार। ठीक है सेकंड बताओ, 100। चलिए ठीक कर लीजिएगा बेटा। तो सिंस डिबेंचर आर ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन टू श्री राम कुमार, देयरफॉर इंटरेस्ट शैल बी लव्ड। नोट नंबर 3 किसका था चेक करके बताइए। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इनकम ऑन एक्यूमुलेटेड अमाउंट। विच इज नॉट सब्जेक्ट टू क्लबिंग इफ एन अमाउंट इज री इन्वेस्टेड देन इनकम ऑन सच री इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी एडेड। ठीक है आगे बताओ जी। हाँ और कोई नोट नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया हो तुम, नींद से जाग जाओ। ये क्या लिखा है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, बहुत जल्दी नींद आ जाती है बेटा। नोट नंबर 4 क्या पढ़ा माइनर चाइल्ड के लिए, एज पर सेक्शन 64(1)(a) इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड विद इनकम ऑफ ईदर पेरेंट हूज इनकम इज ग्रेटर बिफोर सच क्लबिंग। क्लबिंग से पहले जिसकी इनकम क्या हो बेटा, ग्रेटर हो। तो रेंट कितना रिसीव हुआ था, 15,000 रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, 4,500 रुपए, ये इनकम आ गई फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10,500 माइनस एग्जेम्पशन। अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स देंगे तो ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी, ये 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन है। और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 9,000, ये इनकम
क्लियर है आपको मेरी बात? ये इनकम क्लब हो जाएगी। अगर तुम सब लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो बेटा एक बार हाँ कर दो। और बताइए, और कौन से उसमें है क्वेश्चन? जनवरी 21 में है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? जनवरी 21, जनवरी 21 का क्या बताया? ये फोर्थ है, इसका ये पार्ट, उसका थर्ड पार्ट, ये वाला राघव वाला। मिस्टर राघव रिसीव फॉलोइंग इनकम फ्रॉम मैसर्स प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इसको सही कर लीजिएगा। 23-24 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 7.5 लाख। ये मिस्टर राघव को पैसा रिसीव हुआ है, सैलरी रिसीव हुई है 375 की। ही डज नॉट पजेस द एडिक्वेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद द सैलरी रिसीव, मतलब सैलरी मिल गई है बट नॉलेज नहीं है। शेयर होल्डिंग ऑफ मैचर्स एम प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। मिस्टर राघव के पास कोई शेयर नहीं है, मिसिज राघव के पास 2% है और जय किशन के पास 98% शेयर है, जो कि राघव का क्या है, भाई है, ठीक है ना? प्रेफरेंस शेयर इतना है। तो आप देखिए, इनका शेयर होल्डिंग इनडायरेक्टली रिलेटिव्स के साथ मिलाकर, ठीक है ना, कंप्लीट हो रहा है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, ऊपर टॉप पे कुछ बताया गया होगा, आपको बताना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अच्छा, सिर्फ ये पार्ट है, ये पूरे क्वेश्चन में ये एक छोटा सा पार्ट है। तो इसको मैं तभी करा पाऊंगा जब GTI के क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, ठीक है ना? मगर इसका बता देता हूं भी क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि रिलेटिव की डेफिनेशन में हस्बैंड का भाई आता है या नहीं। यह मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब तो मैं करा ही दूंगा। आप सब लोग अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि इसका क्या होगा, तो अगर ये जय किशन माना जाएगा रिलेटिव, तो यहाँ पे फिर शेयर बन जाता है इनकी वाइफ का 100%। उस केस में जो 3,75,000 जो सैलरी मिली है वो उनकी वाइफ की मानी जाएगी। और अगर ये नहीं माना जाता है ब्रदर ऑफ मिसिज राघव, ये अगर रिलेटिव नहीं माना जाएगा बेटा, ठीक है ना, जय किशन, तो आपको देखना है। तो बेटा ये देखना, मिसिज राघव का भाई है ये, तो अपना भाई रिलेटिव होगा या नहीं होगा? तो दोनों मिला के कितने परसेंट शेयर हो गए? 100% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है? तो ये सैलरी जो है ना, ये मिसिज राघव की इनकम में क्लब हो गया। क्लियर है? ये जो इंटरेस्ट है ये मिस्टर राघव का है, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? यहां पे जो सेक्शन लग रहा है वो लग रहा है 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज II। ये जितनी चीजें मैंने लिखी हैं वो लिख लेना। बोलो बेटा, बाकी तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा टोटल इनकम का तब बताऊंगा, ये मैंने अभी फिलहाल बता दिया, ठीक है? क्लियर है? और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, देखो ना बेटा, आराम से मत बैठो, सब लोग देख लो बेटा। अगर आप सब कहेंगे, सब लोग कहेंगे, तो मैं 4-5 दिन बीच में गैप दे दूंगा, उसके बाद कराऊंगा। मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पढ़ाना है, चाहे आज पढ़ो कल पढ़ो 4 दिन बाद पढ़ो। पढ़ोगे तुम मुझसे ही, मुझे बार बार कहोगे बेटा पढ़ने के लिए, और किसी का तुम्हारे समझ में भी नहीं आने वाला, वो लाख समझा ले। मुझे पता है ना बच्चे कैसे हैं, एकदम बिल्कुल अलादीन के चिराग, मैजिक लैम्प। बेटा अगर कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। फिलहाल मैं नवंबर 23 में देख रहा हूं, आप सब लोग देखिए, अलग अलग पेपर में देखो सब लोग, ताकि जल्दी क्वेश्चंस मिल जाए। ये बेटा चैट बॉक्स वाले तो कुछ देख ही नहीं रहे, ऑनलाइन बच्चे तो बेटा शांत पड़े हुए, इनको कोई काम नहीं है बेटा। ये घर के वो बच्चे हैं जो घर में सबसे लेट घुसते हैं, सबसे ज्यादा नखरे दिखाते हैं। जुलाई किस में? और भी ढूंढ लो भाई, एक बच्चे ने बताया जुलाई 21 में क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? फोर नंबर, फोर का
फोर का क्या है? फोर के ए में है। अच्छा, फोर का ए है मिस्टर धर्मेश, जिनकी एज 45 ईयर है। उनकी वाइफ आनंदी है जो 42 साल की है। फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सैलरी दी है मिसिज आनंदी की, कंप्यूट करके 9,60,000 कंप्यूट करके दी है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना है। माइनर सन है जो सफर कर रहे हैं बेटा एटीयू से, इसकी क्लबिंग नहीं होगी, ये बच्चे की इनकम ही मानी जाएगी। इनकम ऑफ माइनर डॉटर सी, जिसको स्क्रिप्ट राइटिंग से पैसा मिला है, ये टैलेंट से मिला है, ये भी क्लब नहीं होगा, नो क्लबिंग। इसके अलावा इनकम हुआ है गारमेंट से धर्मेश को, ये धर्मेश की इनकम है। कैश गिफ्ट रिसीव हुआ है माइनर डॉटर सी को, फ्रेंड ऑफ मिसेज आनंदी, ऑन विनिंग ऑफ ए स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। क्लब होगा बेटा, क्लबिंग होगी इसकी, जिसकी भी इनकम धर्मेश और आनंदी में से ज्यादा होगी। इनकम ऑफ माइनर सन बी, इसको स्कॉलरशिप मिली है। कहाँ से स्कॉलरशिप मिली है? स्कूल से, ये एग्जेम्प्ट होती है। सेक्शन 56 पढ़ना जाके। इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट से मिला है बेटा, है ना, और ये स्कॉलरशिप उसने जो ली थी उसको एफडी करा दिया तो उससे इंटरेस्ट मिला है, ये क्लब होगा। टोटल इनकम बतानी धर्मेश की और इसकी, असेसमेंट ईयर 24-25 की, एज्यूम करना है वो 115 ए बी ए सी को ऑप्ट नहीं कर रहे। कौन से ईयर का क्वेश्चन था? जुलाई 21। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? जुलाई 21 है। कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई पर्टिकुलर और धर्मेश और आनंदी। सबसे पहले सैलरी इनकम कितनी, आनंदी की सैलरी इनकम यहां लिख दो। उसके अलावा माइनर सन की इनकम क्लब नहीं होगी, इसका हम नोट वन देख के आएंगे, नहीं आएगी वो, नहीं आएगी। ये भी नहीं आएगी कहीं पे, नोट टू आएगा ये। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना हुआ है जी? 17,50,000, ये धर्मेश का है। कैश गिफ्ट मिला है सी को 45,000 रुपये का, यह ऐड होगा और साफ साफ दिखाई दे रहा है धर्मेश की इनकम ज्यादा है। बेटा 1,500 माइनस कर दो 45,000 में से, ये 43,500 धर्मेश की इनकम में ऐड होंगे, क्योंकि क्लियर कट पता चल रहा है धर्मेश की इनकम ग्रेटर है। इनके छोटे छोटे कई बच्चे हैं बेटा, ए बी सी, ये तो वो हैं जिनका पता चल गया। इसका नोट दे आएंगे, नोट 3।
इनको टोटल कर दो। नोट वन लिखना है माइनर सन ए को लेकर, उसके बाद दूसरा नोट किसका देना था बेटा? डॉटर को। उसके बाद क्या है बेटा? नोट नंबर थ्री किसका है? स्कॉलरशिप वाला। उसके बाद कोई और नोट भी है? पता और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन देखना है भाई? बोलो ऑनलाइन बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? चल सकते हैं क्या आगे? तो ऑनलाइन बच्चे मुझे बताएं कि आगे क्लास रखनी है नहीं रखनी है। मैं अब तभी रखूंगा बेटा आगे क्लास। अभी खैर ये और 10-15 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी क्या टाइम हो रहा है बेटा? 10 बज रहे हैं, ठीक है ना? अगर कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी से बताइए। दिसंबर 21 में पहले कह रहे थे नहीं, अब निकल रहे हैं क्वेश्चन। देखो देख ही नहीं रहे थे पहले तुम, इतने आलस घुसा हुआ है बेटा दिमाग के अंदर, ठीक है ना? बताइए कौन सा क्वेश्चन है। और अभी छोड़ दो कि जी टीचर ने ये नहीं कराया। अरे टीचर ने तो क्या क्या करा दिया, आप देखो अब अपना क्या करना आपको। टीचर का छोड़ दो, ये 4 का ये बेटा, ये यही वाला है। डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर आर एंड हिज वाइफ मिसिज आर टू प्रीवियस ईयर, बेटा यहाँ ले लीजिए 23-24। आर इज अंडर, आर ट्रांसफर्ड हिज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द HUF ऑफ विच ही इज ए मेंबर। आर ने ट्रांसफर की है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द HUF ऑफ हिज विच, बेटा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 इससे इनकम हुई है वो क्लब होगी। यहाँ पे 64 सबसेक्शन 2 लगेगा। आर ने ट्रांसफर किए 4 लाख रुपए अपनी वाइफ को, ठीक है, मिसिज आर को ऑन 1 अप्रैल 2006। 6 ही लिखा है ना, ये इसको कर दो 2009 कर दो 2009। Without any consideration which was given on as a loan by her to Mr. Girish. She earned 3.5 lakh as interest during the earlier previous year which was also given a loan to Mr. Girish during the previous year 23-24. She earned 11% interest per annum. बेटा ये जो दोबारा ये दे रही है ना, इसकी क्लबिंग नहीं होगी।
क्योंकि ये इनकम पे इनकम हो रही है, और ये जो अर्लियर प्रीवियस ईयर में इसने पैसा कमाया था ये ऑलरेडी टैक्स हो चुका होगा, ये 23-24 की इनकम नहीं है, नॉट रिलेटेड टू। अब इसने क्या किया, ये जो 3.5 लाख कमाए ये गिरीश को दे दिया। हाँ, अगर ये 3.5 लाख रुपए 23-24 में कमाए होते तो ये मिस्टर आर की इनकम में ऐड हो जाते। ठीक है, कैसे घुमा के इस पॉइंट को कहा गया कि आर ने पैसे 2009 में दिए अपनी वाइफ को, वाइफ ने उसके 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाया पिछले कुछ वर्षों में, तो वो जब क्लबिंग हो चुका होगा, हमें तो 23-24 की इनकम निकालनी है। अब इसने ये 3.5 लाख रुपए जो कमाए इसकी वाइफ ने, ये फिर से गिरीश को दे दिए 11% पर। ठीक है ना, आर एंड मिसिज आर बोथ होल्ड इक्विटी 27-25% इन एएमजी लिमिटेड, इसका मतलब इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। दे आर ऑल्सो वर्किंग एज एम्प्लॉय इन सच कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इनको सैलरी मिली है 3.20 और 2.70 की। अगर इनके पास टेक्निकल नॉलेज है तो हम मानेंगे इनकी इनकी इनकम है, नहीं तो फिर हम मानेंगे कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक है ना, और लास्ट में लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, हमें आर और मिसिज आर की इनकम निकालनी है असेसमेंट ईयर 24-25 की। उसके अलावा देखिए और क्या दिया हुआ पॉइंट, आर ने ट्रांसफ़र किए हैं 5,000 इक्विटी शेयर और आरएसबी ऑन 17 सितंबर 2016, कर लीजिएगा इसको, टू मिस्टर आर विदाउट एनी कंसिडरेशन। द कंपनी इशूड 3,000 बोनस शेयर टू मिस्टर आर इन 2019 ऑन 4th मार्च 2024, कर दो इसको, है ना। मिस्टर आर सोल्ड एंटायर शेयर होल्डिंग एंड अर्न 5,20,000 एज कैपिटल गेन। बेटा ये 5,20,000 का 5,20,000 मिसिज आर का माना जाएगा, किसका माना जाएगा, मिसिज आर। अपार्ट फ्रॉम दिस इनकम, आर हैज इनकम फ्रॉम कमीशन 4 लाख और मिसिज आर के 3,30,000 रुपये और है। तो ये क्वेश्चन है, कौन से ईयर का है, कौन से ईयर का था, दिसंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, चलिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। पहले उस इनकम को लिख लीजिए जिसकी क्लबिंग होनी नहीं है, मिस्टर आर और मिसिज आर। मिस्टर आर के पास एक इनकम है, रेंट मिला है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से, है ना, अर्न किया है उन्होंने, है ना। थर्टी फाइव थाउजेंड आएगा 35-30% डिडक्शन देने के बाद। वो सारी बातें आप नोट वन में लिख दीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने इंटरेस्ट इनकम कमाया है, इसका नोट नंबर टू देना, कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, 3.5 लाख का 11% निकाल दो बेटा। वो 23-24 हो जाएगा ना, हमने ईयर चेंज कर दिया। हाँ, सब कुछ हम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कर रहे हैं बेटा, याद रखना ये बात। तो प्रीवियस ईयर 20-21 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हमने प्रीवियस ईयर 23-24 कर दिया है। मैं यहां मान लेता हूं इन दोनों के पास टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज है, तो यहां आएगा 2,70,000 और यहां आएगा 2,20,000, 3,20,000 ना, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली मैंने। नोट नंबर 3,
उसके अलावा मिसेज आर का माना जाएगा ये कैपिटल गेन। कमीशन इनकम किसकी है? वो कुछ और इंटरेस्ट इनकम है। बताइए कितना कितना आ जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है एस्टेट टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ विच ही इज अ मेंबर, जिसका वो मेंबर हो, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना पैसों के दिया था ना इसने, विदाउट कंसिडरेशन कॉमा इनकम फ्रॉम रेंट कितना अर्न किया था इन्होंने? नोट नंबर टू किसके लिए देना था? कौन से ईयर में दिया गया था? इन द ईयर 6 लिखा हुआ है, हमने उसको 2009 कर लिया था, है ना? जिसने एक्यूमुलेटेड की अमाउंट लोन की तरह दिया हुआ है 3.5 लाख रुपए टू गिरीश, इंटरेस्ट ऑन सच लोन शेल नॉट बी क्लब्ड। बेटा ये अगर आप नोटिंग नहीं करके आ रहे हैं एग्जाम में और आपने पूरा क्वेश्चन ठीक किया, और मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर मिलेगा, याद रखना ये बात। सही है तो भी, नहीं है तो वो भी गया। सैलरी फ्रॉम एएमजी लिमिटेड, मिस्टर आर
एंड हिज वाइफ बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एएमजी लिमिटेड. Remuneration, etc., from this company shall be clubbed in the income of that spouse whose income is greater. बिफोर सच क्लबिंग, ये क्लबिंग करने से पहले जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम में ऐड होगा. हाउएवर देयर विल बी नो क्लबिंग इफ spouse have practical qualification oblique experience. In given question, assuming R and his wife have practical experience there is no requirement of clubbing. और अगर आप मानते कि नहीं है उनके पास knowledge, तो आप alternative answer भी कर सकते हैं इस question में. फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो मिली है ना, ये 270 की और 220 की, ये दोनों, ये फिर इसमें जुड़ जाता क्योंकि इसकी इनकम ज़्यादा थी मिसेज आर की. ये 5, 20, 38 ज़्यादा बनती इसकी इनकम, ठीक है ना. तो फिर ये 270 भी इधर ऐड कर देते हैं. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई है. अगर सभी लोगों को बात समझ में आ गई है, और बताइए और कौन से क्वेश्चन है. नोट 4, कैपिटल गेन. कैपिटल गेन किस चीज़ पे हुआ है बेटा? कैपिटल गेन अर्न ऑन, सॉरी, कैपिटल गेन अराइजेज ऑन शेयर्स विच हैड बीन ट्रांसफर्ड विच हैड बीन ट्रांसफर्ड किसने ट्रांसफर किए थे बेटा? बाय मिसेज आर विदाउट विदाउट कंसिडरेशन ना. देयरफॉर इनकम फ्रॉम शेयर्स शैल बी क्लब्ड with income of transferer that is Mrs. R. जी और बताओ. नवंबर 22 में भी है क्वेश्चन. नवंबर 22 देख लो जी. नवंबर 22. अच्छा, नवंबर 22 के अलावा भी देख लेना कहीं है क्या. नवंबर 22 का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? फोर्थ का सी. अभी देख लेते हैं. यही है, यही
यही है ना नवंबर 22, हाँ यही है, फोर्थ का सी, ये कोविड वाला यही है ना मिस्टर एक्स, फोर्थ का सी कह रहे हो ना आप, ए बी सी या ऑप्शन वाला? ऑप्शन वाला कहो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रमन एंड हिज वाइफ सविता फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। मिस्टर रमन हैड ए एफ डी ऑफ ₹5 लाख इन द बैंक। ही इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू क्रेडिट द इंटरेस्ट 6% फ्रॉम 23-24 टू हिज द सेविंग अकाउंट ऑफ हिज ब्रदर्स वाइफ ब्रदर्स सन्स फॉर हिज एजुकेशन। बेटा ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है, सेक्शन नंबर 60 लगेगा। बिना कराना है तो एफडी कराइए अपने भतीजे के नाम पर, ठीक है? सविता इज ए कॉम ग्रेजुएट एंड वर्किंग। बेटा बैटरी ले, आज ये हो गया, मिल गए। सविता बीकॉम ग्रेजुएट हैं, वर्किंग इन द एबीसी प्राइवेट एज एन अकाउंटेंट विद अ मंथली सैलरी 25,000, और रमन का वहां 30% शेयर है। अब ये नहीं बताया इनको प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है, तो हम मान लेंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, अकाउंटेंट है, बीकॉम ग्रेजुएट है, अकाउंटेंट तो कर लेता है ऐसी नौकरी, है ना? बीकॉम वाला तो कर सकता है ना, तो हम यही मान के चलेंगे। अब अगर क्वेश्चन में कहा ना गया होगा तो हम ये मानेंगे कि इनके पास टेक्निकल नॉलेज है। रमन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2023 को विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख। ही इनकर्ड अ लॉस 2 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजिशन सविता ने उसको गिफ्ट किए 4 लाख रुपए ऑन 1 अप्रैल। ये बिजनेस स्टार्ट किया था इसने 2020 में, तो इसको हम कर लेते हैं 2022 और यहाँ कर देते हैं 2023। इन्होंने पैसे दिए, रमन ने इनको इन्वेस्ट कर दिया और प्रॉफिट कमाया 3 लाख का 23-24 में। तो बताइए इसका क्या होगा? बेटा इसमें क्लबिंग होगी, अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को पैसा दे दे और वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे, तो उससे जो भी प्रोपोर्शनेट इनकम होगी वो क्लब होगी। साजन है, यंगर सन रमन का, 17 साल का है, वॉन इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन, तो ये टैलेंट से पैसा कमाया है, 10,000 का कैश रिवार्ड मिला है, ठीक है ना? और ऑल्सो ऑन द इंटरेस्ट 7,000। बेटा ये क्लब होगा, क्लबिंग भी होगी और 1,500 की एग्जेम्पशन भी मिलेगी इसमें, बस यही क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन है ईयर का? नवंबर 22। आ जाइए, नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है?
कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। क्वेश्चन हम कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, पर्टिकुलर रमन है और उनकी वाइफ है सविता, इंटरेस्ट ऑन एफडी 5 लाख का, ठीक है, डाइवर्जन ऑफ इनकम विदाउट डाइवर्टिंग एसेट, शैल बी द इनकम ऑफ दैट पर्सन। ये बात सेक्शन 60 में लिखी है। सैलरी मिली है 1,00,000 प्राइवेट लिमिटेड, कितने की, 12 महीने की 3 लाख बनेगी, पचास हजार माइनस कर देने 2.5 लाख आएगा, है ना, यहां पे आएगा और सैलरी एटसेट्रा रिसीव बाय स्पॉस शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, हाँ ऊपर से ही देखना बेटा, जरा होल्ड करना, मैं क्या था जी, सैलरी एटसेट्रा रिसीव बाय स्पॉस शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बट क्लबिंग shall not be done if spouse possesses technical knowledge। तो हमने यहां एज्यूम कर लिया है कि उसके पास टेक्निकल नॉलेज है। उसके बाद क्या था बेटा, रमन ने बिजनेस स्टार्ट किया था, लॉस वाले ईयर का कुछ नहीं करना क्योंकि वहां पे उसकी वाइफ ने पैसा नहीं दिया था। उसने कितना पैसा लगाया था अपना, 10, उसकी वाइफ ने कितना दिया है, 4 लाख, टोटल हो गया 14 लाख रुपए, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो प्रीवियस ईयर 23-24 में इनकम हुई है, कितने की हुई है बेटा इनकम,
3 लाख की, 3 लाख की हुई है, कितने लाख लगाकर? 14 लाख रुपए, उसमें से 4 लाख उसकी वाइफ ने दिए, बताओ कितना आएगा, ये प्रोपोर्शन कितना आएगा वो बता दो। अच्छा ये इतना आएगा, ये यहाँ जुड़ेगा और बाकी का उसकी हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी, तो 2 लाख ये रमन की इनकम मानी जाएगी, बोलो। उसके बाद उनका एक बच्चा है, 10 हजार कॉम्पिटिशन से कमाया और 7 हजार इंटरेस्ट से, एफडी का इंटरेस्ट कितना हुआ था? 1500 एग्जेम्पशन, और दोनों में से उसकी इनकम में जोड़ दो जिसकी इनकम ज्यादा दिखाई दे। इसकी एक तो 30 हजार है और 2 लाख 14 हजार, 2 लाख 44 हजार के आसपास बनेगी, तो इसकी वाइफ की ज्यादा आई थिंक सविता की कितनी आएगी, यहाँ जोड़ दो, जो भी आंसर आएगा वो मुझे बता दो। और बताओ और कौन से ईयर में क्वेश्चन है? दे तो ली 1500 की, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है क्या? हाँ, कह रहा बच्चा टीटीए में डिडक्शन तो ले लो मास्टर जी, तो ऊपर देखो हमें टोटल इनकम निकालना है। हाँ जी, टीटीए में डिडक्शन मिलेगी, सही कह रहा है बच्चा, बताओ जीटीआई कितना आएगा? 2 लाख 14 हजार और ये 30, 2 लाख 44 हजार। दूसरा बताओ बेटा कितना आएगा? 2.5 लाख, 3 35, 3 लाख 42 हजार 214 रुपये, चेक करो कितना ही आएगा, माइनस डिडक्शन एटी टीटीए में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, वो इंटरेस्ट कितना मिला था? वैसे मिला था 7 हजार, बट 7 हजार की डिडक्शन ही मिलेगी जितना इंटरेस्ट आपका ऐड हुआ है, 5500, 41 है, ठीक, क्लियर है। ये टोटल इनकम आ गया, बताइए माइनस करके। थ्री लैख 35,714। और बताइए कौन से ईयर में क्वेश्चन है? मई 23 में। ये मैंने क्लबिंग के करा दिए हैं, सेट ऑफ के मैंने पहले से डाल रखे हैं, जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं। मई 23 का कौन सा बता रहे हैं? फोर्थ का ये। इतने आप लोग नवंबर में भी चेक कर लो क्या है क्या, ठीक है। अब हम वो नहीं करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, वो अब हम कल देखेंगे बेटा। फोर्थ का ए, यही वाला चमन वाला, मिस्टर चमन हु इज 50 ईयर ओल्ड एंड हिज वाइफ मिसिस चमन 48, फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल द अमाउंट ऑफ इनकम गेन लॉसेस आर कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन। चमन की सैलरी इनकम है 11 लाख, यानी कि इसमें से 50 हजार की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल चुकी है। चमन का, मिसिस चमन ने कथक परफॉर्मेंस से पैसा कमाया 2.5 लाख, वो कथक की डांसर हैं, ठीक है। मिसिस चमन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है, ओके, वो भी उनकी इनकम है। मिसिस चमन ने 2 लाख रुपए गिफ्ट किए चमन को आउट ऑफ हर स्त्री धन ऑन 1 अप्रैल 2023, और इसको हम ठीक है 1 अप्रैल 2023 को दिया है ना उसने पैसा, ये मई 23 का है, इसको हमें 24 करना पड़ेगा, ओके। चमन इन्वेस्टेड द एंटायर अमाउंट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, ये डेट सही दी हुई है जबकि 23 24 की डेट है,
तो उस टाइम पे तो 22-23 होना चाहिए था ना प्रीवियस ईयर, मई 23 में। तो अभी हम 24 के लिए करने जा रहे हैं। चमन इन्वेस्टेड द एंटायर अमाउंट इन द स्टॉक मार्केट, बट ठीक है, मिस्टर चमन इन्वेस्टेड द एंटायर अमाउंट इन द स्टॉक मार्केट बट सफर्ड अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। चमन ने ये पैसा लगा दिया था और उसको लॉस हुआ है 5,10,000 का। याद रखना, ये 5,10,000 का लॉस लेडी का माना जाएगा। ओके बोलो बेटा। उसके अलावा मिस नैना देयर माइनर डॉटर 356, उसने बाई परफॉर्मिंग इन वेरियस क्विज कॉम्पिटिशन 23-24 में इतना पैसा कमाया उसने, वो एग्जेम्प्ट होगा। जो ये 15,000 है ये क्लबिंग होगी, जैसे अभी वो था साजन वाला, बिल्कुल वैसे ही है। मास्टर नीलब, मास्टर भी छोटा बच्चा होता है, मास्टर नीलब माइनर 35,000 FD से कमाया है, ठीक है ना, ये भी क्लबिंग होगी, ठीक है ना। मगर आगे लिखा है नीलब सफर फ्रॉम डिसेबिलिटी ATU, तो क्लबिंग को हटा देंगे, नहीं होगी, ठीक है। 24-25 असेसमेंट लीजिए, BSE को इग्नोर करने के लिए बोला है। चलिए कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा उसमें है क्या नवंबर 23 में भी क्वेश्चन? हाँ चेक कर लो, फिर मैं ये करा रहा हूँ आपको मई 23 का। तो क्लबिंग और सेट ऑफ दोनों में से एक का क्वेश्चन जरूर आएगा, और रेसिडेंशियल स्टेटस, TDS, TCS, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। फोर्थ का ये था ना ये। बिना टाइम वेस्ट किए आज ही कर लेना बेटा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यहां पे मिस्टर, यहां पर मिसेस, बच्चे की भी निकालनी इनकम, बोला है उन्होंने, बोला है। तो मिस्टर मिसेस, बच्चे कितने हैं बेटा? दो हैं, एक नैना और एक नीलब। सबके कॉलम बनाएंगे क्योंकि बच्चों के भी बोला है। तो ये 11 लाख रुपए की सैलरी है, ये तो यहाँ आएगी। बोलो बेटा। उसके बाद सैलरी के बाद है कथक परफॉर्मेंस का पैसा मिला है, कितने मिले? 2,50,000 यहां पे आएगा। उसके बाद चमन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 5.5 लाख रुपए का। चमन ने गिफ्ट किए, मिसेस चमन ने गिफ्ट किए, लॉस हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है ना। इस चीज पे लॉस हुआ है, इन्वेस्ट कर दिया था, ये नहीं बताया कहाँ इन्वेस्ट किया है ना। तो 5,10,000 वो प्रॉफिट। बेटा याद रखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप होगा। तो ये कितने का है लॉस? 5,10,000 का। मैं यहां लिख देता हूं 2B। हाँ, कैरी फॉरवर्ड इन हैंड्स ऑफ मिसेस चमन, चमन के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा ये। अगर मैंने यहां लिख देता 5,10,000 तो वो सेटअप हो जाता। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, शॉर्ट टर्म ही तो दिया हुआ है ये 5,10,000 लॉस है बेटा मिसिस का, गेन है मिस्टर का, तो कैसे सेटअप कर दूंगा? क्योंकि उसकी वाइफ ने ही तो दिए थे उसको पैसे। आपने सुना है ना कि अगर कोई पैसा दे तो उससे होने वाली इनकम क्लब होती है, यहां इनकम नहीं हुई है, लॉस हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर तो स्टार्ट अप हो जाएगा बेटा। कह रहे हैं कि यहां पे ले लो जी 5,500। एक काम करता हूं ना, ये मैं ऐसे करता हूं, ये 5,50,000 का गेन है और कितने का लॉस है?
10 का नेट कितना आ गया? 40,000। वो नेट मिसेस चमन में दिखा देना बेटा, क्लियर है? और बताओ, मिस नैना उनकी डॉटर हैं, उनसे मिला है क्विज कंपटीशन से, कितना पैसा? 3 लाख। और कुछ और भी हुआ है क्या बेटा? सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वो कितना मिला है? 15,000 में से 1,500 माइनस भी करेंगे, 13,500। यहाँ पे आएंगे 13,500 क्योंकि इसकी इनकम ज़्यादा है। उसके अलावा नीलब का पैसा, इंटरेस्ट ऑन एफडी, कितना पैसा कमाया इसने? 35,000 नीलब में जाएगा। क्या बताना है बेटा हमें टोटल इनकम? ये जीटीआई आ गया, इसमें से माइनस डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 80TTA। बताओ बेटा, 11,13,500। लेडी की इनकम आएगी 2,90,000, यहाँ पे 3,56, यहाँ पे 35,000। हाँ बेटा, ये आ गई टोटल इनकम। ये समझ में आ रहा है 80TTA की डिडक्शन क्यों मिली है? जैसे पिछले क्वेश्चन में साजन के लिए उनके लिए मिली, नवंबर 23 में भी आया था क्वेश्चन है, 23 में है डिसेबिलिटी की। अच्छा, बच्चा कह रहा है डिसेबिलिटी की भी तो ले लो डिडक्शन, 23 में नहीं है। ठीक है, एक डिडक्शन ले लेते हैं। कितना सीवियर डिसेबिलिटी है? 35,000 रुपए में तो कोई मैं मान नहीं सकता ये डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं यहाँ 80U की डिडक्शन ना लेकर उसके पापा को डिडक्शन दिलवा दूंगा 75,000 की। बच्चा खुद डिडक्शन लेगा तो मात्र 35,000 की मिलेगी ना। ठीक है, ये मिल गई डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप सन। क्या सर ऐसे ले सकते हैं डिडक्शन? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा फायदा इसी को होगा डिडक्शन लेने में। 35,000 रुपये कमा के एफडी पे वो इंडिपेंडेंट थोड़ी हो जाएगा। टोटल इनकम बताइए अब कितनी आएगी? टोटल इनकम नवंबर 23 में है बच्चों? क्वेश्चन नहीं है। अच्छा बेटा, ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आईसीआई मॉड्यूल के सेट ऑफ और क्लबिंग के सारे क्वेश्चन साफ करें। दूसरी बात यह है कि सेट ऑफ के क्वेश्चन जो पीवाई क्वेश्चन हैं वो मैं नहीं कराऊंगा। मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि मैंने कहाँ कराए। मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना और थोड़ा सा 2-3 महीने पहले की वीडियो देखना, ठीक है? उसमें सेट ऑफ का क्लास पड़ी हुई है, वो क्लास आपको करनी है। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आज अब और कोई क्लास नहीं है।